नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स का एक टॉपिक है जो है हमारा रेक्टेंगल पोटेंशियल बैरियर है। ठीक है, तो रेक्टेंगल पोटेंशियल बैरियर का डायग्राम एक्जेक्टली आपको दिख रहा होगा। इसमें हमने क्या किया, एक्स एक्सिस में एक्स इक्वल टू जीरो यानी कि जो आपका ग्राफ का ओरिजिन पॉइंट होता है वहां से हल्का सा एक बैरियर कर दिया, मतलब पोटेंशियल को एक वैल्यू दे दिया, सिंपली वी जीरो वैल्यू दिया, और वो x इक्वल टू a यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में a दूरी तक असल में वो वैल्यू कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और कंटिन्यू आगे बढ़ गए। इस डायग्राम को आप क्लियरली देखोगे आप अगर, तो इसके अंदर तीन रीजन हो गए, तीन क्षेत्र हो गए। पहला क्षेत्र आपके लेफ्ट साइड वाला होगा, दूसरा क्षेत्र आपका जो आपका पोटेंशियल का जो पूरा दीवार बना है इस प्रकार वो एक क्षेत्र हो जाएगा, और तीसरा क्षेत्र आपका राइट साइड वाला हो जाएगा। देखो उसे एग्जैक्टली क्वांटम मैकेनिक्स में मैथमेटिकली किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो एग्जैक्टली वहां पर जो आपका पहला रीजन है, जो आपका लेफ्ट साइड में जो रीजन था आपका, वो रीजन क्या कहता है, फर्स्ट रीजन था आपका, वो कहता है कि x लेस देन 0, वो रीजन किसको कहता है, आपका x इक्वल टू 0 आपका ओरिजिन पॉइंट था, उससे लेफ्ट साइड की तरफ का जो क्षेत्र है वहां पर देखो असल में कोई पोटेंशियल नहीं है, नहीं है ना एग्जैक्टली, क्योंकि पोटेंशियल तो क्या है, x 0 से लेकर के x इक्वल टू a इसके बीच ही पोटेंशियल भी जो रखा गया, तो इस लेफ्ट साइड पोटेंशियल क्या होगा आपका, 0 होगा, जो कि देखो एग्जैक्टली मैंने यहां पे लिखा है कि जो पोटेंशियल x लेस देन जो 0 है उसके क्षेत्र में पोटेंशियल क्या होगा आपका, एग्जैक्टली 0 होगा। और देखो जो x इक्वल टू 0 यानी कि ओरिजिन पॉइंट से लेकर के किसी दूरी x इक्वल टू a तक आपका पोटेंशियल कितना है, v0 पोटेंशियल, वो भी नियर पोटेंशियल है। ठीक है, मैंने एग्जैक्टली इसको v0 लिख दिया। ठीक है, सेकंड रीजन के लिए, और थर्ड रीजन जो कि x इक्वल टू a के इधर का रीजन, राइट साइड का रीजन है, वहां पर भी कोई पोटेंशियल नहीं है, वहां एग्जैक्टली है, तो वहां पे क्या हो गया, तीसरा रीजन जो x इक्वल टू a हो गया, वहां भी कोई पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल क्या हो गया, 0 हो गया। तो एग्जैक्टली हमारे को जो पोटेंशियल डायग्राम दिखाया गया इसका जो मैथमेटिकली जो वे हो गया वो इस प्रकार इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे देखो एग्जैक्टली ये जो आपका v0 है असल में वो एग्जैक्टली क्या है, आपका बैरियर का हाइट है। सिंपल तो कहीं अपन इसको क्लासिकल मैकेनिक की तरह सोचे अपन अगर, ठीक है, तो सिंपल मान लेते हैं कि कोई धावक दौड़ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर कोई हैडल लगाया हुआ है, ठीक है, हैडल मतलब कोई बाधा लगाई हुई है। अब क्या होगा कि धावक अगर उस हैडल के ऊपर से कूदना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा उसे, उसे जितनी हैडल की हाइट है उस हैडल की हाइट से ऊपर जंप करना पड़ेगा, और अगर वो नीचे जंप करेगा तो क्या होगा, वो हैडल से टकराएगा और वो गिर जाएगा, वो उसके आर पार नहीं निकल सकता। तो सिंपल यहां पर भी वही हैडल की तरह यहां पर वर्क कर रहा है कि जो v0 है वो बैरियर हाइट है, मतलब उस बाधा की हाइट रखी गई है, और एग्जैक्टली बैरियर विड्थ मतलब उसकी चौड़ाई कितनी रखी गई है, वो जो हैडल है उसकी चौड़ाई कितनी रखी गई है, वो एग्जैक्टली a हाइट रखी गई है। ठीक है, सॉरी विड्थ रखी गई, जो डायग्राम दिख रहा होगा x0 equal to x a रखी गई है। अब देखो क्लासिकल मैकेनिक के हिसाब से हम देख रहे हैं कि धावक अगर उससे ज्यादा जंप करता है, ठीक है, तो क्या होगा, वो उसके पार निकल जाएगा, और अगर कम जंप करता है उससे तो क्या होगा, वो इधर ही रह जाएगा। तो इसका मतलब इसको हम एक पार्टिकल के केस में लेते हैं कि पार्टिकल अगर मान लिया हेडल की हाइट इतनी है, अगर पार्टिकल इस हेडल की हाइट से अगर नीचे के क्षेत्र में आ रहा है तो क्या होगा, वो इस क्षेत्र से टकराएगा और वापस चला जाएगा, यानी वो इसके आर पार नहीं हो सकता क्योंकि वो इस बैरियर की हाइट जितनी उसकी हाइट नहीं है। सेकेंड केस लेते हैं कि अगर पार्टिकल की हाइट अगर बैरियर की हाइट से ज्यादा है तो क्या होगा, पार्टिकल से आर पार हो जाएगा और वो वहां से रिफ्लेक्ट नहीं होगा। सिंपल इसी केस को यहां मैथमेटिकली शो किया गया, क्लासिकल केस शो किया गया, क्या शो किया गया अपने को कि अगर आने वाला जो पार्टिकल है, आने वाला जो पार्टिकल है उसकी एनर्जी अगर e है, ठीक है, और वो लेस देन पोटेंशियल है, मतलब v0 से मतलब e बैरियर की जो हाइट है ना e, इससे कम हाइट का आया है, मतलब या इसको अगर आप एनर्जी मानते हो तो ये पार्टिकल इससे कम एनर्जी का है, ठीक है, e लेस देन v0, उस कंडीशन में हमें क्या दिखाई देगा कि पार्टिकल उसको पार नहीं कर सकता। ठीक है, सिंपली मैं कहूं कि उसकी आने वाले पार्टिकल की जो एनर्जी होगी उसे अपन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लेते हैं, मतलब गतिज ऊर्जा के फॉर्म में, जो एग्जैक्ट क्या होता है आपका 1/2 mv स्क्वायर होता है, तो वो 1/2 mv स्क्वायर हो गया, और वहां से अपन एक वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, वो v1 वेलोसिटी हो जाएगी आपकी, सिंपल में कुछ नहीं किया मैंने, v स्क्वायर से मैंने v1 का वैल्यू निकाला। ठीक है, और हम क्या देखेंगे कि पार्टिकल जो होगा वो असल में उस दीवार से टकराएगा और वापस चला जाएगा, मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्शन हुआ उसको हम यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल आर से। ठीक है,
और इसे कहा गया है कि 100% रिफ्लेक्शन होगा, स्वभाव की बात है, और कोई ट्रांसमिशन नहीं होगा, मतलब उसके आर पार नहीं निकल सकता। तो रिफ्रैक्शन कॉफिशियंट जो होगा वो 100% होगा, ठीक है, या उसका कॉफिशियंट 1 होगा, और ट्रांसमिशन जो होगा वो 0% होगा। दूसरा केस लेते हैं ये वाला। इस केस में देखो एग्जैक्टली कि वो E greater than V जो है कि अब इस पार्टिकल की जो हाइट है वो इस बैरियर से ज्यादा है, इस बैरियर को अपन एनर्जी माने अगर, तो इस पार्टिकल की एनर्जी जो इस बैरियर की एनर्जी से क्या है, ज्यादा एनर्जी है आपका, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली ये कह रहा है कि उस स्थिति में पार्टिकल की जो एनर्जी वो क्या होगी, 1/2 mv² होगा, ठीक है, और वहां पर आप v1 यानी देखो अब क्या होगा कि पार्टिकल अब इस क्षेत्र को पार करेगा, पहले क्षेत्र को क्या करेगा, पार कर देगा, ठीक है। इसको एग्जांपल थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, मान लिया यहां जो बैरियर है, ठीक है, आपका जो उससे एग्जैक्टली थोड़ी भीड़ मान लेते हैं, मान लिया 10 लोग खड़े हैं, ठीक है, यहां 10 लोग खड़े हैं इस एरिया में, ठीक है, और कोई व्यक्ति यहां से भागता हुआ आ रहा है, तो क्या होगा कि भागता हुआ व्यक्ति जब एनर्जी से आएगा, गतिज ऊर्जा से आएगा, वो क्या करेगा, इस जो 10 लोग खड़े हैं इसको पार करने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा जब वो इसको पार करने की कोशिश करेगा, उसका वो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर उसकी गतिज ऊर्जा इस 10 पार्टिकल को मान लिया वो जो भी अपने मैंस माने या पर्सन माने उनको पार करने लायक होगी तो उनको पार करके बाहर निकलेगा, वरना क्या होगा वो इसी के अंदर अटक जाएगा। सिंपल सी बात है। ये वो कह रहा है कि पार्टिकल का जो उस रेक्टेंगल बॉक्स में लेफ्ट साइड का जो एरिया, प्रथम जो एरिया है, उसके अंदर पार्टिकल के पास एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो इस बैरियर को पार कर सकता है, ठीक है, ठीक है, ग्रेटर देन वी जीरो है, तो क्या होगा वो उस बैरियर को फर्स्ट रीजन पार कर देगा, वहां वेलोसिटी क्या रहेगी, सिंपल ये वाली रहेगी ऊपर वाली है। सेकंड में क्या होगा कि इसमें इस बैरियर का जितना एनर्जी है वो एनर्जी इसमें से घट जाएगा, सिंपली वो जितनी गति से आ रहा है यहां जो कुछ लोग खड़े हैं वो टकराएगा, तो टकराएगा तो क्या होगा इस पूरी लोगों की एनर्जी को वो क्रॉस करके आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा इन लोगों की एनर्जी जितनी थी, जिसको इतनी एनर्जी उसने काम में ली इन लोगों को पार करने में, वो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो सेकंड जो उसकी वेलोसिटी, सेकंड रीजन में उसका जो सेकंड क्षेत्र है, उस क्षेत्र में उसकी जो एनर्जी होगी, पोटेंशियल, वो क्या होगा एग्जैक्टली आपका वी जो सेम वही होगा, बस इस एनर्जी की खुद की एनर्जी में वी जीरो पोटेंशियल कम हो जाएगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये आपका सेकंड रीजन कंडीशन है। और थर्ड रीजन में क्या होगा, थर्ड रीजन में वो एग्जैक्टली फ्री हो जाएगा, मतलब आप कोई इसके आगे बैरियर नहीं है तो आराम से मूव कर सकता है। तो थर्ड रीजन में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वापस एग्जैक्टली 2E/m हो जाएगा। इस स्थिति में हम क्या नोट कर रहे हैं कि वहां पर कोई परावर्तन नहीं हो रहा है ना, वो आर पार निकल रहा है, मतलब वहां परावर्तन 0% हो रहा है, और वहां पर ट्रांसमिशन जो है एग्जैक्टली आपका, ठीक है, आर पार निकल रहा वो एग्जैक्टली 100% हो रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये हमारा क्लासिकल केस था जो हमने स्टडी किया। अब हम स्टडी करेंगे इसको क्वांटम वाले केस में। देखो पहला वाला केस लेता हूँ, पहला केस क्या था एग्जैक्टली आने वाली पार्टिकल की एनर्जी आपके बैरियर, आपके हेडल है, उसकी एनर्जी से कम है, ठीक है, किसमें, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। देखो एग्जैक्टली क्वांटम मैकेनिक्स केस में लेते हैं, एनर्जी लेस देन वी जीरो है, उस वक्त क्या होगा, क्लासिकल के हिसाब से वो रिफ्लेक्ट होगा, आर पार नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन क्वांटम में क्या होता है एग्जैक्टली नोट करते हैं, ठीक है। हमने क्या बोला, दैट पोटेंशियल वी जीरो इज कांस्टेंट, क्योंकि आपका वो आपको जो डायग्राम दिख रहा है उसमें एग्जैक्टली वो डायग्राम देखो, आप ऊपर का वो हाइट लेवल पर क्या बराबर है, मतलब पोटेंशियल एक जैसा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर वी यूज टाइम इनडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, क्वांटम मैकेनिक्स में हम किसी भी पार्टिकल को सॉल्व करते हैं हम एग्जैक्टली वेव मानते हैं और उसका हमेशा एक वेव फंक्शन लिखते हैं, और उस वेव फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हमने एक ऑपरेटर मैकेनिक्स बना रखी है जिसे श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। श्रोडिंगर इक्वेशन को मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, अगर आप इसका डेरिवेशन देखना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए सेपरेट लेक्चर अलग से बनाया, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। देखो एग्जैक्टली ये इक्वेशन सिंपली इस प्रकार लिखी गई है, यहाँ पर क्या है, ये एग्जैक्टली हमारे वेव फंक्शन का डबल डिफरेंशिएट किया गया है पोजीशन स्थिति के हिसाब से, ठीक है। ये एग्जैक्टली एक फैक्टर लगा हुआ है, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का फैक्टर है और ये आपका टोटल एनर्जी का फैक्टर है, असल में ये काइनेटिक एनर्जी का फैक्टर है और ये पोटेंशियल एनर्जी का फैक्टर है। अब देखो एग्जैक्टली फर्स्ट रीजन, पहला क्षेत्र लेते हैं उस डायग्राम में, लेफ्ट साइड में जो पहला क्षेत्र है वो लेते हैं, उस क्षेत्र के अंदर एग्जैक्टली क्या होगा, आपका पोटेंशियल क्या है एग्जैक्टली 0 है प्रथम क्षेत्र में आपका। तो देखो ये इक्वेशन जो है इसमें मैं पोटेंशियल की वैल्यू रखूंगा Vx=0 या 0 वैल्यू रखूंगा, ये फंक्शन पूरा बैक हो जाएगा, ठीक है, 0 से मल्टीपल तो फंक्शन क्या होगा 0 हो जाएगा, ये वाला फंक्शन जो होगा केवल ये 0 होगा, 2 फंक्शन बचेंगे एग्जैक्टली,
यहां देखो एग्जैक्टली मैंने क्या किया, इस माइनस को इधर सेंड किया, तो ये कंपोनेंट किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और इस फैक्टर को मैंने इधर डाल दिया, ठीक है। और एग्जैक्टली मैंने नई इक्वेशन इस प्रकार बनाई, है ना। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, आपका ये इक्वेशन आ जाएगा। नेक्स्ट मैंने क्या किया, देखो इक्वेशन के अंदर ये इक्वेशन मैंने गोगो को लिखा, इस इक्वेशन में ये जो पैरामीटर है, ठीक है, 2m / h cross square, इसको एग्जैक्टली मैंने k square मान लिया, ठीक है, मैंने सिंपली से k square मान लिया, k square वैल्यू मैंने मेंशन कर दिया 2me / h square, और ये एग्जैक्टली इक्वेशन इस प्रकार हो गया। इस इक्वेशन को आप हल्का सा गौर से नोटिस करो, ये इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन है, ये SHM की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, किसके लिए, इस वाले केस के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या होगा। देखो सेकंड पार्ट जो होगा मेरा वो रीजन 2 का होगा, जहां पर पोटेंशियल मेरा क्या है, वो एग्जैक्टली V0 पोटेंशियल है, ठीक है। V0 पोटेंशियल इस क्षेत्र के लिए, यहां मैंने क्या किया, ये जो V0 है एग्जैक्टली मैंने इस यहां पर क्या लिख दिया, V0 लिख दिया, इस वाले फंक्शन को इधर सेंड किया, तो ये फंक्शन किसका है, माइनस का होगा, तो यहां क्या हो जाएगा, V0 - e और cos θ में साई आ जाएगा। सिमिलर इस प्रकार V0 - e cos θ में साई, आप ट्राई करना। फिर मैंने क्या किया, देखो इस फंक्शन को ऐसे ही रखा है, इस फंक्शन को मैंने नीचे की तरह बना दिया, तो एग्जैक्टली माइनस का, यहां क्या हो जाएगा, सबका माइनस हो जाएगा, और यहां इसके ऊपर क्या आएगा, देखिए आपका 2m / आपका h cross square और एग्जैक्टली V0 - e, ठीक है, और आपका साई x इक्वल टू 0, ये एग्जैक्टली मेरा न्यू इक्वेशन बनेगा, ठीक है। आप देखो इस इक्वेशन को भी मैं एग्जैक्टली इस फैक्टर की तरह लिख सकता हूं, ठीक है, वो किस प्रकार, इस प्रकार लिखूंगा मैं, t स्क्वायर साई x / डबल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर, और यहां पे माइनस, इसका मैंने अल्फा स्क्वायर लिख दिया, और एग्जैक्टली मैंने यहां पर साई x इक्वल टू 0 कर दिया। यहां मैंने अल्फा स्क्वायर क्या माना, एग्जैक्टली मैंने ये एग्जैक्टली अल्फा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, रूट, है ना, और आपका 2m h स्क्वायर, ठीक है, और आपका V0 - e इसके बराबर है, क्लियर हो गया। अब देखो ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन गया, किसके, हमारे सेकंड रीजन के लिए, ठीक है। अब हम डील करते हैं थर्ड रीजन के लिए। थर्ड रीजन में क्या है, पोटेंशियल वेरिएबल आपका कितना है, 0 है, पोटेंशियल 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्वेशन सिमिलर इस प्रकार ही सॉल्व होगी जो ये इक्वेशन सॉल्व हुई थी। मैंने देखो सेम वही इक्वेशन लिखा है, बस केवल चेंज क्या हुआ, वहां पे साई जो है वो एग्जैक्टली क्या आ गया, आपका 3 आ गया, ठीक है। यहां पे क्या लिखा है, आपका साई 1 था यहां पर, एग्जैक्टली मैं लिख देता हूं यहां पर, ये साई 1 के लिए, मतलब ये पहले फंक्शन के लिए सॉल्व किया गया, ठीक है। यहां पे एग्जैक्टली क्या हुआ, यही कंडीशन एग्जैक्टली यहां वाली कंडीशन ही सेम ये वाली कंडीशन है, तो एग्जैक्टली क्या होगा, ये फंक्शन इस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है, और यहां k स्क्वायर की वैल्यू एग्जैक्टली सेम वैसे ही होगी जो वहां पर है, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली हम देखते हैं कि हमने जो तीन इक्वेशंस निकाली है, ठीक है, तीन सॉल्यूशंस निकाले हमने, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, सेकंड इक्वेशन हमारी ये रहा, थर्ड इक्वेशन मेरा, इन तीनों इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या होंगे, तो एग्जैक्टली तीनों इक्वेशंस हमारे किसकी इक्वेशन है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशंस है, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशंस के कई सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली हम यहां पर एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन काम में लेंगे। देखो मैंने तीनों इक्वेशन के सॉल्यूशन को मेंशन किया है, देखो x less than 0 ये आपका पहला क्षेत्र है, ठीक है, आपका ये आपका सेकंड क्षेत्र है, ये आपका थर्ड क्षेत्र है, इन तीनों क्षेत्र के सॉल्यूशन लिखो। मतलब देखो पहले इक्वेशन के मैंने क्या सॉल्यूशन लिखा, कि यहां पर साई 1 का सॉल्यूशन क्या होगा, कि a e की पावर i k x, ये वाला जो फैक्टर है असल में ये फैक्टर शो करता है कि पार्टिकल आएगा, मतलब राइट साइड से आने वाला पार्टिकल, ठीक, पार्टिकल, और ये वाला पोर्शन क्या शो करता है, कि पार्टिकल टकरा के वापस जाएगा, ये एग्जैक्टली क्योंकि फर्स्ट रीजन में क्या होगा, पहले रीजन में पार्टिकल का जो एनर्जी है वो अपने इस बैरियर से कम है एग्जैक्टली, तो पार्टिकल क्या करेगा, आएगा और वापस आएगा, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आने के लिए उन्होंने ये फंक्शन लिखा, और पार्टिकल रिफ्लेक्ट होकर जब वापस की तरफ जाएगा, ठीक है, तो उन्होंने ये वाला फंक्शन लिख दिया, ठीक है। सिमिलर देखो रीजन 2, सेकंड रीजन क्या है कि इन केस, है ना, वैसे हालांकि पॉसिबल होगा या नहीं होगा हम आगे देखेंगे, लेकिन अगर पॉसिबल हुआ कि पार्टिकल उस बैरियर को पार कर जाएगा, हालांकि पार्टिकल की एनर्जी कम है उस बैरियर से, फिर भी अगर वो पार कर जाता है अगर वो, ठीक है, उस स्थिति में क्या होगा कि वो उस बॉक्स के अंदर चला गया, अब यहां से एंटर हुआ हो तो एंटर होने के बाद क्या करेगा, इस वाले पोर्शन से की तरफ जाएगा, तो वो राइट साइड की तरफ बढ़ रहा है, उसके लिए उन्होंने ये फंक्शन लिख दिया, ठीक है। और अल्फा कौन सा वाला एग्जैक्टली, आपके ये वाला अल्फा है, ठीक है,
और वो पार्टिकल यहां से टकरा के वापस भी आ सकता है, ठीक है, उसके लिए इन्होंने ये वाला फंक्शन लिख दिया, ठीक है। और सिमिलरली तीसरी वाली स्थिति में क्या हुआ कि जब वो पार्टिकल यहां से एंटर हुआ इस बॉक्स के अंदर आया और हो सकता है इस बॉक्स को भी पार कर जाए, उस स्थिति में पार्टिकल के जाने का जो फंक्शन होगा वो एग्जैक्टली क्या होगा, ये वाला फंक्शन होगा राइट साइड का। और इन केस वो वापस आ जाएगा कहीं से टकरा करके तो उसके लिए फंक्शन क्या होगा एग्जैक्टली आपका ये वाला फंक्शन होगा। ये तीनों जो इक्वेशंस हैं हमारी जो सॉल्यूशंस हैं हमारे वो शो करते हैं जो नेचुरली हम लोग सोचते हैं उसी के बारे में एग्जैक्टली शो करते हैं। अब देखो एग्जैक्टली देखते हैं कि इन सॉल्यूशंस को सॉल्व कैसे किया जाए, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए हमें एग्जैक्टली एक ही वैल्यू चाहिए, एक ही वैल्यू पता लग जाएगी तो हमें पूरा फंक्शन वहां पे फाइंड आउट हो जाएगा। इसको फाइंड आउट करने के लिए असल में हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ बाउंड्री कंडीशंस लगानी पड़ेगी, ठीक है। देखो बाउंड्री कंडीशन के बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट देखो बाउंड्री कंडीशन क्या होती है कि बाउंड्री कंडीशन फॉर सॉल्यूशन, ठीक है, इनके सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है कि वेव फंक्शन साई एक्स जो आपका पार्टिकल का वेव फंक्शन है, मतलब तरंग जो फलन है आपका, एंड इट्स डेरिवेटिव मतलब उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है, ठीक है, शुड बी कंटिन्यूअस, और वो क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। कहां पर सतत होना चाहिए, वो x इक्वल टू a, मतलब ये कहने का मतलब है आपको पोटेंशियल जो आपका वो दिख रहा होगा आपको डायग्राम में, वो कह रहा है कि राइट साइड से जो पार्टिकल उस दीवार पे टकराएगा, ठीक है, तो वहां पर जो पार्टिकल का जो फंक्शन होगा वो ठीक वैसा ही फंक्शन होगा जो कि सेकेंड वाली स्थिति मतलब सेकेंड रीजन का फंक्शन भी होगा। मतलब क्या कि वो एक ऐसी दीवार है जिसके इधर तो क्या है आपका पहला वाला रीजन है, इसके इधर क्या है एग्जैक्टली वो सेकेंड वाला रीजन है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर वेव फंक्शन तरंग जो फलन है वो दोनों एक ही फलन हो जाएंगे, मतलब सिंपल सी बात है दोनों का व्यवहार उस दीवार पर क्या होगा एक जैसा होगा, ठीक है। इसको अपन सिंपल समझते हैं एग्जैक्टली अपन कि अगर मैं एक कोई भी बर्तन के अंदर नीचे वाले सरफेस में पानी डाल देता हूँ या एक गिलास ले लेता हूँ, ठीक है, एक कांच का गिलास लिया मैंने, उसमें पहले पानी डाल दिया फिर मैंने उसके ऊपर ऑयल डाल दिया, तो सिंपली क्या होगा ऑयल होगा वो पानी के ऊपर तैरता है, लेकिन आप उसको गौर से देखो तो एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर पानी और ऑयल दोनों जो है मतलब ना ऑयल आपका तेल और पानी जो दोनों है आपका वो समझ में दोनों को टच कर रहे होते हैं आपस में, उस परत के ऊपर क्या होता है पानी और तेल दोनों मिक्स हुए होते हैं एग्जैक्टली, और दोनों की उस पोजीशन के ऊपर दोनों की स्टेट क्या होती है कि वहां पानी भी है और वहां पे तेल भी है। सिमिलर इसी प्रकार हमारे इस वाले पोटेंशियल वाले जो डायग्राम में देख रहे हो कि जो वो आपका x इक्वल टू जीरो पर जो पोटेंशियल की हाइट है उस हाइट के ऊपर इधर वाले क्षेत्र का वेव फंक्शन और इधर वाले क्षेत्र का वेव फंक्शन दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, मतलब दोनों सतत होंगे और उनके डेरिवेटिव मतलब उनमें जो अंतर होगा जो चेंज होगा वो भी दोनों क्या होगा सेम होगा, ये बाउंड्री कंडीशन अपन ने लगाई है, ठीक है। देखो एग्जैक्टली इसका मतलब क्या हुआ, साई वन एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पर जो वेव फंक्शन पहले रीजन का वेव फंक्शन और दूसरे रीजन का वेव फंक्शन दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, पता लगे किस पर बराबर होंगे आपके, ठीक है, और उनके डेरिवेटिव ठीक है इनके उनके डिफरेंशिएशन ये भी दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है, तो दोनों चीज बराबर होगी। अब देखो एग्जैक्टली हम इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं हमारे इस वाले फंक्शन के, ठीक है, कि साई वन इक्वल टू साई टू किस पॉइंट पर गए एक्स इक्वल टू जीरो का, तो देखो अप्लाई करते हैं एक्स इक्वल टू जीरो की वैल्यू अप्लाई करता हूँ तो यहाँ क्या होगा एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगा, यहाँ भी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा पूरा जीरो, और ई की पावर जीरो का वैल्यू क्या होता है वन होता है, और ई की पावर जीरो का वैल्यू यहाँ भी क्या होगा वन होगा, तो देखो ये फंक्शन जो है हमारा यानी जो साई वन जो फंक्शन है हमारा वो क्या बनाएगा एग्जैक्टली साई वन एक्स इक्वल टू जीरो के ऊपर ए प्लस आपका बी बनेगा, ठीक है, ये फंक्शन में क्या वन के बराबर, ये फंक्शन क्या हुआ वन के बराबर हो गया। अब देखो सेकंड साइड टू पर अप्लाई करता हूं, इस फंक्शन पर अप्लाई करता हूं, ये भी दोनों एक्सपोनेंशियल की फंक्शन है, ये फंक्शन क्या हो जाएगा ई की पावर जीरो, उसका वैल्यू क्या होगा जैसे आपका वन होगा यहाँ वैल्यू जैसे आपका वन हो जाएगा, मतलब आपका फंक्शन जो होगा वो फंक्शन साइड टू जो होगा ठीक है एट एक्स इक्वल टू जीरो के ऊपर क्या हो जाएगा एफ प्लस आपका जी हो जाएगा, और हमारे जो पहली कंडीशन है उसके साथ दोनों फंक्शन क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, मतलब क्या हो आपका कि साई वन इक्वल टू आपका साई टू ये इंडिकेशन देता है ए प्लस बी इक्वल टू आपका एफ प्लस आपका जी, ये हमारी इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब अप्लाई करते हैं अपन सेकंड वाली इक्वेशन, ठीक है, मतलब क्या करना इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। देखो इस फंक्शन का साई वन का मैं डिफरेंशिएशन मतलब मैंने एक डैश लगा दिया, मतलब क्या हुआ ये डिफरेंशिएशन कर रहा हूं उसका, ठीक है,
वो डिफरेंशिएशन किसके ऊपर करना है मुझे, वो डिफरेंशिएशन करना मुझे इसका, ठीक है। ए आपका कांस्टेंट ऐसा का ऐसा रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका, ई की पावर वापस इतना ही हो जाएगा, आई की एक्स हो जाएगा, और कांस्टेंट क्या आ जाएगा आपका, आयोटा के आ जाएगा, क्लियर हो गया। प्लस आपका यहाँ पर बी होगा एग्जैक्टली, और यहाँ पर क्या होगा एग्जैक्टली, ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स, वही डिफरेंस हो जाएगा देखिए आपका, और माइनस आयोटा के आ जाएगा, बराबर क्या जाएगा इसलिए आपका, ठीक है, ये हो गया डिफरेंशिएशन आपका। और देखो एग्जैक्टली जब मैं x इक्वल टू जीरो पर वैल्यू पुट करूंगा तो ये देखो ये फंक्शन जो साई वन है मेरा, ठीक है, वो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा पूरा, तो यहाँ बच जाएगा एग्जैक्टली आपका a, ठीक है, और आयोटा के, यहाँ भी देखो एग्जैक्टली आयोटा के है, यहाँ भी आयोटा के है, मैं दोनों कोमा ले लेता हूँ, पर ये माइनस एग्जैक्टली क्या होगा बाहर आ जाएगा, ए माइनस बी और आपका आयोटा के, ये एग्जैक्टली इसका सॉल्यूशन मिलेगा, आप एग्जैक्टली इसको परफॉर्म करके देखना, ठीक है, आपको यही सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया, अब सिमिलरली अगर मैं दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करता हूं अगर, जैसे देखो यहां पे क्या होगा एग्जैक्टली सेम वही होगा आपका f e की पावर अल्फा और आपका x और cos θ में अल्फा आ जाएगा एग्जैक्टली आपका, यहां एग्जैक्टली आपका क्या देगा प्लस आपका g और e की पावर माइनस अल्फा x आपका और cos θ में माइनस अल्फा आ जाएगा एग्जैक्टली आपका, और आप अगर यहां पर psi 2 में अगर वैल्यू पुट करते होगे तो क्या होगा, ये जीरो वन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका अल्फा बचेगा और आपका एफ प्लस आपका जी, सॉरी माफ करना, यहाँ पे माइनस जी बचेगा, ठीक है। ये देखो ये दोनों कंडीशन मिल गई हमें, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, यानी कि इसका मतलब क्या होगा साई वन डैश इक्वल टू साई टू डैश होगा, तो इसका मतलब क्या होगा आपको साई वन डैश इक्वल टू आपका साई टू डैश होगा, और एग्जैक्टली क्या होगा यहाँ से ये देखो ये वाला फंक्शन इस फंक्शन के बराबर हो जाएगा आयोटा के, ठीक है, a माइनस बी इक्वल टू आपका अल्फा और आपका f माइनस आपका g हो जाएगा, क्लियर हो गया। और यहां से देखो एग्जैक्टली मुझे एक इक्वेशन और मिलेगा, वो क्या मिलेगा यहां से कि a माइनस बी इक्वल टू आपका अल्फा अपॉन आयोटा के, और एग्जैक्टली क्या होगा यहां से f माइनस आपका g होगा, ये एग्जैक्ट मुझे इक्वेशन मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन एग्जैक्टली हो रहा है, एक इक्वेशन एग्जैक्टली ये वाला इक्वेशन, ठीक है, इसे वन दे देता हूं, इसे एग्जैक्टली में टू दे देता हूं। अब देखो फर्दर हमारा काम क्या है, हमें ए और बी का वैल्यू निकालना है, देखो फर्स्ट क्या करूंगा मैं इन दोनों इक्वेशन को लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड जोड़ दूंगा, राइट साइड से राइट साइड से जोड़ दूंगा, दोनों इक्वेशन करने पड़े, दोनों इक्वेशन को जोड़ने के ऊपर, ठीक है। सिंपल क्या होगा, ऐसे एग्जैक्टली ए प्लस आपका बी प्लस आपका ए माइनस आपका बी, ठीक है, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड जोड़ दिया इक्वल टू, ये क्या होगा एग्जैक्टली आपका एफ प्लस आपका जी, इसको एग्जैक्टली में ओपन करके लिख देता हूं, ठीक है, प्लस आपका सॉरी यहां माइनस होगा, ठीक है, एफ प्लस हां यहां प्लस जी होगा, और ये प्लस आपका अल्फा आयोटा के एफ माइनस अल्फा आयोटा के और आपका जी, ठीक है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मैंने ओपन कर दिया। अब सिंपल देखो एग्जैक्टली यहां से बी से भी कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा आपका 2a बचेगा, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा देखो यहां भी f है यहां भी f है, f एग्जैक्टली क्या होगा कॉमन आ जाएगा, ठीक है, ये एग्जैक्टली मैंने f को कॉमन ले लिया, यहां क्या बचेगा एग्जैक्टली आपका 1 बचेगा और ये प्लस आपका अल्फा है ना आयोटा और k बचेगा, क्लियर हो गया। और यहां से देखो एग्जैक्टली सिमिलरली यहां भी मैं दोनों में g कॉमन ले लूंगा, ठीक है, तो g ठीक है इक्वल टू यहां से 1 और माइनस आपका अल्फा और आपका आयोटा और आपका k बचेगा, क्लियर होगा, सिंपल इक्वेशन हो गया। अब देखो इसमें थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं इक्वेशन में, यहां देखो मैं आयोटा को ऊपर नीचे गुणा कर देता हूं, तो यहां क्या हो जाएगा आयोटा अल्फा हो जाएगा और यहां आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है माइनस वन होता है, तो मेरी इक्वेशन थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा, 2a इक्वल टू आपका f ठीक है और 1 माइनस आयोटा अल्फा अपॉन आपका k, इक्वेशन एक तो ये हो गया, और यहां से देखो प्लस आपका आपका g और 1 प्लस आयोटा अल्फा अपॉन आपका एग्जैक्टली k हो, ये अपने को नेक्स्ट इक्वेशन यहां पर फाइंड आउट होगा। नेक्स्ट में क्या करूंगा, ये वाली इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन का रूट एग्जैक्टली घटा दूंगा, ठीक है, तो सिंपल बन गया क्या देखो a माइनस आपका b आपका ये वाला फंक्शन आपका a प्लस b वाला है ना, और ये इक्वेशन माइनस कर दिया मतलब माइनस आपका a और माइनस आपका b कर दिया, ठीक है, और माइनस वाला एग्जैक्टली आपको प्लस हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू क्या होगा एग्जैक्टली मतलब यहां पर ये वाला जो फंक्शन होगा वो f प्लस g एग्जैक्टली ऐसा कैसा रहेगा, f प्लस आपका g एग्जैक्टली ऐसा कैसा रहेगा,
और ये वाला इक्वेशन जो होगा वो बेसिकली माइनस में हो जाएगा, मतलब क्या बोलते हैं यहां पर, मतलब ये तो इक्वेशन क्या हो गया आपका, माइनस अल्फा अपॉन आयोटा के इज इक्वल टू एफ होगा आपका बेसिकली, और ये इक्वेशन से प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस आपका ठीक है अल्फा आयोटा के, और एग्जैक्टली ये हो जाएगा आपका जी हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो अगर तो आप इसको सॉल्व करके देखें, आपको एग्जैक्ट सेम रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट मैंने क्या किया, जो भी आपका देखो यहाँ ए से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एग्जैक्ट आपका टू बी बचेगा, टू बी बचेगा, और एग्जैक्ट क्या होगा यहाँ देखो एग्जैक्टली एफ और एफ से कॉमन ले लूंगा मैं। ठीक है, मैंने एग्जैक्टली एफ को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा वन आपका, ठीक है, और एग्जैक्ट तो माइनस बचेगा आपका, माइनस आपका ठीक है अल्फा और अपना जो है वो आयोटा के, आयोटा के नीचे बचेगा, मैं आयोटा को ऊपर नीचे गुणा करूंगा तो क्या होगा, नीचे आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, सॉरी हां मतलब 1 होता है, ठीक है -1 होता है, और ये ऊपर आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां देखो एग्जैक्टली ये आयोटा हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो एग्जैक्ट देखो यहां कॉमन में माइनस आया, लेकिन मैंने आयोटा को ऊपर नीचे गुणा किया इसलिए मेरे को ये इक्वेशन प्लस में मिला। ठीक, सिमिलर इस प्रकार नेक्स्ट क्या करूंगा, एग्जैक्ट देखो यहां पर प्लस आपका g है ना, और एग्जैक्टली ये देखो यहां पर ये g जब कॉमन होगा तो क्या होगा, यहां 1 और प्लस होगा, आयोटा को ऊपर से गुणा करोगे तो क्या होगा माइनस आ जाएगा, मतलब आपका 1 माइनस आपका आयोटा अल्फा और आपका एग्जैक्टली k और एग्जैक्टली ये हो जाएगा। तो ये एग्जैक्टली मुझे दो नई इक्वेशन मिली, एक इक्वेशन जिसमें मुझे ये वाली मिली, एक इक्वेशन मुझे इसलिए ये वाली मिली। अब मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन को जो होगा डिवाइड कर दूंगा मैं। ठीक है, सिंपल क्या होगा, एग्जैक्टली इक्वेशन क्या होगी, यहां देखो b ठीक है अपॉन आपका a, ये एग्जैक्टली मेरे को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका रिजल्ट एग्जैक्टली मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप लोग इसको सॉल्व करके देखना क्या रिजल्ट आता है इसका। ठीक है, देखो इसका सिंपल रिजल्ट क्या आएगा, आप एग्जैक्टली f, मैं एग्जैक्ट इसको कर देता हूं, f आपका और ये आएगा 1 यानी k प्लस आयोटा अल्फा, ठीक है, और ये आएगा आपका g प्लस आपका g, ठीक है, और k माइनस आयोटा अल्फा, और नीचे वाली जो इक्वेशन है वो क्या यूज किया आपकी, f equal to 1 plus iota alpha, और exactly ये 2 वाली है, ये exactly minus होगा, ठीक है, और यहाँ पे k होगा, k minus iota alpha, और ये होगा k plus iota alpha, g equal to k plus आपका iota alpha। देखो ये जो equation आया v बटा a, ये बहुत ही important equation है हमारा। ठीक है, इसी इक्वेशन के बेसिस पर हम लोग इसको नेक्स्ट वहां पर सॉल्व करेंगे, तो एग्जैक्ट देखो नेक्स्ट इसको मैं एग्जैक्टली यहां पर सॉल्व करूंगा। नेक्स्ट हम एग्जैक्टली एक दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, वो बाउंड्री कंडीशन एक्चुअली क्या होगी, देखो सेकंड बाउंड्री कंडीशन की वेव फंक्शन साई एक्स जो होगा एंड इट्स डेरिवेटिव शुड बी कंटीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। देखो जो आपका सेकंड रीजन है और जो आपका थर्ड रीजन है उसकी जो बाउंड्री है उस बाउंड्री के लिए ऑर्डर x इक्वल टू a पर है, उस बाउंड्री के ऊपर जो उस सेकंड रीजन का जो फंक्शन होगा और थर्ड रीजन का जो फंक्शन होगा वो दोनों क्या होंगे, एक जैसे होंगे वहां पे कंटीन्यूअस होंगे, और उनके डेरिवेटिव भी क्या होंगे, एग्जैक्टली कंटीन्यूअस होंगे। जो कंडीशन हमने वहां अप्लाई किया था पहले वही कंडीशन हम यहां अप्लाई करेंगे। देखो एग्जैक्टली फर्स्ट में ये कंडीशन अप्लाई करता हूं x इक्वल टू a के ऊपर, किस पर, सेकंड फंक्शन पर और थर्ड फंक्शन पर। तो एग्जैक्टली यहां से क्या होगा, साई 2 फंक्शन जो है ठीक है वो एग्जैक्टली मुझे क्या मिलेगा, वो मुझे मिलेगा f ठीक है e की पावर अल्फा a, ठीक है, और यहां से क्या मिलेगा इसको आपका g e की पावर माइनस अल्फा, ठीक है, और आपका a, और एक ये जो फंक्शन होगा और आपका जो साई थ्री जो फंक्शन होगा, देखो ये साई थ्री जो फंक्शन होगा एग्जैक्टली इस फंक्शन के लिए देखो एक बाउंड्री कंडीशन और लगाई गई है। वो बाउंड्री कंडीशन क्या लगाई गई है कि आप देख रहे हो कि अगर वो दूसरे क्षेत्र सेकंड रीजन से पार होकर के तीसरे रीजन की तरफ चला गया, हमने कंडीशन क्या लगाई है कि वो पार्टिकल जहां से निकल चुका है आगे दिख रहा होगा आपको एग्जैक्टली, तो सामने है ना कोई भी ऐसा पोटेंशियल नहीं है जिससे कि वो टकरा के वापस आ सके, उस स्थिति में जो हमारे रिफ्लेक्ट होके वापस आने वाला फंक्शन है ये एग्जैक्टली ये फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, मतलब ये फंक्शन एग्जैक्टली अस्तित्व में नहीं रहेगा। कंडीशन क्या है कि पार्टिकल दूसरे क्षेत्र से निकलने के बाद में वापस परावर्तित होकर के नहीं आएगा, तो केवल जाएगा, जाने का फंक्शन एग्जैक्टली आपका ये है, ठीक है। तो देखो एग्जैक्टली साई थ्री जो फंक्शन है एग्जैक्टली आपका साई थ्री फंक्शन होगा वो एग्जैक्टली क्या लिखा जाएगा, सी ई की पावर आपका
आयोटा के और आपका ए लिखा जाएगा। इस कंडीशन के हिसाब से दोनों फंक्शन क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि बेसिकली आपका साई टू इक्वल टू आपका साई थ्री। इसका मतलब क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन क्या होगा कि आपका एफ ई की पावर अल्फा ए प्लस जी ई की पावर माइनस अल्फा और आपका ए इक्वल टू आपका सी ई की पावर आयोटा के और आपका ए। ये एग्जैक्टली आपको रिमेंबर रखना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इक्वेशन भी अप्लाई करते हैं, मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा और एग्जैक्ट फंक्शन को लिखूंगा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा एग्जैक्टली आपका साई टू का डिफरेंशिएशन क्या होगा एग्जैक्टली आपका एफ ई की पावर अल्फा ए गुणा में आपका अल्फा होगा और यहाँ माइनस होगा, इस माइनस की वजह से माइनस आपका जी ई की पावर माइनस अल्फा ए डॉट आपका अल्फा, ठीक है। और एक चीज आपके साई थ्री जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा एग्जैक्टली, केवल इसका डिफरेंशिएशन होगा, वो क्या होगा एग्जैक्टली आपका सी ई की पावर आयोटा के और कॉस थीटा में आयोटा के होगा। और इस कंडीशन से दोनों क्या होगा एग्जैक्टली आपके बराबर होंगे, इसके हिसाब से क्या होगा एग्जैक्टली आपका साई टू डैश इक्वल टू आपका साई थ्री डैश बराबर क्या होगा आपका एफ, ठीक है, ई की पावर अल्फा ए माइनस जी e की पावर माइनस अल्फा ए कोष्टक आपका अल्फा, ठीक है, ये तो हमें कोष्टक में लिया और शुड बी इक्वल टू दिस फंक्शन, मतलब आपका आयोटा के, ठीक है, और एग्जैक्टली आपका डॉट में आपका c और e की पावर आयोटा के और आपका ए होगा, क्लियर हो गया। अब देखो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन इनमें एग्जैक्टली मैं डिवाइडेशन करता हूं, ठीक है, यानी कि ये वाली इक्वेशन जो है इससे मैं डिवाइड कर देता हूं, तो सिंपल क्या होगा एग्जैक्टली इस वाली इक्वेशन क्या होगा आपका f, ठीक है, e की पावर अल्फा a, ठीक है, प्लस आपका g, ठीक है, e की पावर माइनस अल्फा a इक्वल टू आपका c e की पावर आयोटा k a, है ना, और यहां पर डिवाइड हो जाएगा आपका आपका अल्फा और एग्जैक्टली आपका ये हो जाएगा f e की पावर अल्फा a माइनस g e की पावर माइनस अल्फा ए अपॉन आपका, ठीक है, आयोटा के डॉट आपका c e की पावर आयोटा के a। नेक्स्ट आपको इक्वेशन मिला, ठीक है। अब जब मैं देखो इस इक्वेशन में ये वाला पोर्शन देखो एग्जैक्टली वाला पोर्शन और ये पोर्शन दोनों क्या एग्जैक्टली सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, केवल आयोटा के यहां बचेगा। यहां देखो एग्जैक्टली इससे मैं अल्फा को इधर ले जाता हूं और f e की पावर अल्फा ए को मैं कॉमन ले लेता हूं, रिमेंबर रखना f e की पावर अल्फा ए को मैं कॉमन ले रहा हूं, देखो एग्जैक्टली यहां पर f e की पावर अल्फा ए कॉमन आएगा, वो क्या आएगा एग्जैक्टली आपका आएगा 1 प्लस आपका g अपॉन आपका f और e की पावर माइनस 2 a अल्फा और आपका a, ठीक है, एग्जैक्टली होगा और अपॉन आपका होगा यहां से इक्वल टू आपका एल्फ अपॉन आपका आयोटा के और यहाँ पर होगा आपका एग्जैक्टली एफ ई की पावर अल्फा ए और एग्जैक्टली यहाँ से 1 माइनस आपका जी अपॉन आपका एफ और ई की पावर माइनस 2 अल्फा ये होगा एग्जैक्टली इस प्रकार और एग्जैक्टली बराबर में यहाँ एग्जैक्टली यहाँ हो जाएगा। देखो एग्जैक्टली ये आपका इक्वेशन बनेगा, ठीक है, इस इक्वेशन मैंने क्या किया f e की पावर अल्फा को इसलिए मैंने कॉमन लिया दोनों में ऊपर नीचे एग्जैक्टली और मैंने इसको इस प्रकार राइट डाउन किया। नेक्स्ट देखो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ठीक है, और यहां से सिचुएशन को मैं आपको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूं, कैंसिल आउट हो गया इन दोनों को मैं वैल्यू बना मतलब जो है आपस में बड़ा कर देता हूं, ये इक्वेशन का बचेगा रहेगा देखो यहां पर बचेगा आपका आयोटा आपका k, ठीक है, प्लस आपका आयोटा k g अपॉन आपका f और आपका e की पावर माइनस 2 अल्फा ए इक्वल टू ये तो बदल हो जाएगा तो आपका अल्फा, ठीक है, माइनस आपका g अपॉन आपका f डॉट आपका अल्फा और e की पावर माइनस 2 अल्फा आपका a होगा, ठीक हो गया। अब देखो मुझे g अपॉन f की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो क्या होगा g अपॉन f की वैल्यू को इधर सेंड कर देता हूं, इसको इधर सेंड कर देता हूं, ठीक है, तो यहां से क्या बचेगा तुम्हारे पास यहां बचेगा आपका आयोटा k g अपॉन f आपका और e की पावर माइनस 2 अल्फा a प्लस आपका ये वाला पोर्शन इधर से प्लस में हो जाएगा आपका
वो होगा एग्जैक्टली आपका अल्फा जी अपॉन आपका एफ और ई की पावर माइनस टू अल्फा ए इक्वल टू, इधर आपका अल्फा ऐसा कैसा रहेगा और एग्जैक्टली यू वाला जो होगा वो माइनस आयोटा के एग्जैक्टली इधर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली यहां पर जी अपॉन एफ और ई की पावर माइनस टू अल्फा ए एग्जैक्टली आप कॉमन रख सकते हैं। देखो एग्जैक्टली इसका ध्यान रखना यहाँ पर हल्का सा कि जब मैंने e की पावर अल्फा ए ठीक है ये मैंने कॉमन लिया था तो यहाँ तो ये बना गया ना, ये जब यहाँ पे कॉमन होगा तो यहाँ पर ये फैक्टर है नहीं तो इसके बटा में हो जाएगा मतलब डिवाइड में हो जाएगा और जैसे वो होगा डिवाइड क्या होगा ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टू हो जाएगा, क्लियर हो गया। अब देखो एग्जैक्टली मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ जी ठीक है अपॉन आपका एफ ठीक है और e की पावर इसको भी कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है e की पावर माइनस टू अल्फा ए को कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ क्या बचेगा जितने आपका आयोटा के बचेगा प्लस आपका अल्फा बचेगा, ठीक है इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा आपका अल्फा माइनस आयोटा के बचेगा। फिर यहाँ क्या बचेगा मैं जी अपॉन एफ निकाल सकता हूँ, जी अपॉन एफ निकाल दिया मैंने, ये इसकी नीचे चला जाएगा मतलब अल्फा माइनस आयोटा के अपॉन आपका आयोटा के और प्लस आपका अल्फा हो जाएगा और आप इसको नीचे भेज रहे इसको मैं इधर भेज रहा हूँ, ठीक है तो e की पावर आपका प्लस में हो जाएगा, ठीक है e की पावर 2 अल्फा ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली मैं थोड़ा चेंज करूंगा, मैं एग्जैक्टली इस फंक्शन को ऊपर नीचे आयोटा से गुणा करूंगा, ठीक है यानी कि मल्टीप्लाई। मैं यहां से आयोटा से मल्टीप्लाई करता हूं क्या होगा आपका जी अपॉन आपका एफ होगा इक्वल टू आपका एग्जैक्टली यहाँ अल्फा को मल्टीप्लाई में आयोटा क्या होगा आपका आयोटा अल्फा को, यहाँ क्या होगा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, उसका मतलब क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर होने का माइनस वन होता है, यहाँ एग्जैक्टली क्या आएगा आपका k है ना और आपका यहाँ प्लस आपका और आयोटा और अल्फा हो जाएगा, नीचे जिस क्या होगा आपका एग्जैक्टली मल्टीप्लाई यहाँ क्या हो जाएगा आपका माइनस k हो जाएगा आयोटा स्क्वायर का वैल्यू और यहाँ पर जो प्लस आपका आयोटा अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा समय में चेंजेस करता हूँ, ठीक है इसमें इस नीचे वाले पोर्शन माइनस को इसमें कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है और सॉरी ना इसमें ये फैक्टर चलता रहेगा e की पावर 2 अल्फा a, यहां से क्या हो गया जी माइनस k आपका प्लस आयोटा अल्फा, ठीक है और यहां जो एग्जैक्टली हुआ ये माइनस सिंबल बाहर ले लिया मैंने, यहां पे k क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यहां पे एग्जैक्टली माइनस का हो जाएगा और यहां जगह e की पावर 2 अल्फा a, ये एग्जैक्टली अपॉन g अपॉन f के वैल्यू को अपन को फाइंड आउट किया जिस प्रकार अपन ने b अपॉन a के वैल्यू को फाइंड आउट किया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि b अपॉन a को सॉल्व करेंगे, ठीक है इसको एग्जैक्टली सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है b अपॉन एग्जैक्टली a को सॉल्व कर रहा हूं, सिंपल यहां देखो f k प्लस iota k को मैं कॉमन ले रहा हूं, ठीक है यानी आपका f ठीक है i आपका k प्लस iota अल्फा ये एग्जैक्टली मैं कॉमन लिया, ठीक है ये जब मैं कॉमन लेता हूं यहां क्या बचेगा वन बचेगा वन प्लस आपका यहाँ क्या बचेगा जी अपॉन एफ हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या ये पोर्शन यहाँ पर है नहीं और एफ भी यहाँ पर नहीं, इसके क्या हो जाएगा बटन में चला जाएगा मतलब यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर एग्जैक्टली होगा आपका जी अपॉन आपका एफ, ठीक है और ये वाला पोर्शन तो ऑलरेडी इसके पास है, क्या है एग्जैक्टली वो है आपका के माइनस आयोटा अल्फा इसके पास है और बटा में ये वाला आ जाएगा, ठीक है के प्लस आपका आयोटा अल्फा आ जाएगा, ठीक है ये हो गया। सिमिलरली मैं नीचे वाले पोर्शन में यही काम करूंगा, ठीक है यहाँ पर क्या करूंगा एग्जैक्टली में यहाँ पर मैं कॉमन लूंगा एफ के प्लस आयोटा अल्फा कॉमन लूंगा, ठीक है यहाँ देखिए मेरे पास एफ तो है लेकिन के प्लस आयोटा अल्फा नहीं है तो ये पोर्शन यही रह जाएगा और वो उसके बटा में लग जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा एग्जैक्टली यहाँ जो पोर्शन क्या होगा ये आपका के माइनस आयोटा अल्फा ये और बटा आपका क्या होगा आपका के प्लस आपका आयोटा अल्फा हो जाएगा एग्जैक्टली आपका और यहाँ देखो एग्जैक्टली आपका प्लस जी है जी अपॉन एफ हो जाएगा आपका क्योंकि वहां पर एफ का टर्म आपके पास नहीं है जी अपॉन एफ हो जाएगा और के प्लस आयोटा अल्फा एग्जैक्टली आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है तो यहाँ पे क्या बचेगा एग्जैक्टली आपका केवल यही वाला पोर्शन बचेगा जी अपॉन एफ आपका, ये आपको इक्वेशन मिला, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली इस इक्वेशन में g अपॉन f की वैल्यू को एग्जैक्टली आप लोग यहां पर पुट करेंगे, देखो सिंपल क्या होगा b अपॉन आपका a होगा वो इसे क्या होगा आपका ये कैंसिल हो जाएगा अपने आप ही, यहां क्या बचा एग्जैक्टली आपका यहां पर एग्जैक्टली आपका 1 बचा है, ठीक है 1 प्लस ये वैल्यू एग्जैक्टली होगा ये वैल्यू एग्जैक्टली वहां पर जाएगा, देखो एग्जैक्टली माइनस में है
यहाँ क्या होगा एक्सिट आपका, यहाँ एक्सिट आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये बिल्कुल क्या एक्सिट है आपका, वो है के, ठीक है, प्लस आयोटा अल्फा अपॉन के माइनस आयोटा अल्फा और e की पावर 2 अल्फा ए सपने हैं इसके, ये हम रखेंगे, लेकिन पहले इसकी ये वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, k माइनस आयोटा अल्फा और आपका ये है k प्लस आपका आयोटा अल्फा और e की पावर 2 अल्फा ए, ठीक है। और देखो नेक्स्ट क्या होगा, इसका नीचे वाला आपका ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या ये वाला पोर्शन है और जी वो लेफ्ट में रखेंगे, k माइनस आयोटा अल्फा अपॉन k प्लस आयोटा अल्फा, ठीक है, और प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और यहां से क्या आएगा, के प्लस आयोटा अल्फा अपॉन के माइनस आयोटा अल्फा और गुणा में क्या होगा, जी की पावर 2 अल्फा ए होगा, क्लियर हो गया यहां से, ठीक है। अब देखो एक्जेक्टली सिंपली सोचो, ये देखो सिमिलर है, ठीक है, क्रॉस में है बटा में ना कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपको ऊपर का पोर्शन क्या बचेगा, बी अपॉन ए इक्वल टू रहेगा 1 माइनस आपका e की पावर 2 अल्फा a और एग्जैक्ट ये एग्जैक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद देखो एग्जैक्टली यहां पर ये जो नीचे का पोर्शन है इसको देखो एग्जैक्टली, मैं इन दोनों में करता हूं कॉमन लेता हूं, ठीक है, डिनोमिनेटर बनाता हूं, वो एग्जैक्टली क्या होगा, k प्लस आयोटा अल्फा k माइनस आयोटा अल्फा, ठीक है, यहां एग्जैक्ट में लघुगणक मिल गया, ठीक है, k प्लस आयोटा अल्फा और एग्जैक्टली k माइनस आयोटा अल्फा, ठीक है। यहां क्या जाएगा आपके जितनी k माइनस आयोटा अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा जितनी आपका माइनस आपका k प्लस आयोटा अल्फा का जितनी स्क्वायर हो जाएगा e की पावर 2 अल्फा a हो जाएगा, क्लियर हो गया जितनी। देखो ये वाला पोर्शन जितनी ऊपर से आ जाएगा, ठीक है, यहां देखो जितनी क्या होगा b अपॉन a आपका और ये पोर्शन देखो जब गुणा होगा, देखो ये a क्या है, a प्लस b e माइनस b, फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये एग्जैक्ट ऊपर जाएगा तो क्या होगा इसके, यहां से आपका ये हो जाएगा आपका 1 माइनस e की पावर 2 अल्फा a और एग्जैक्ट देखो ये हो जाएगा आपका k स्क्वायर a स्क्वायर प्लस माइनस आपका b स्क्वायर माइनस आपका b स्क्वायर, मतलब क्या होगा आयोटा का स्क्वायर और अल्फा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर क्या होती है माइनस 1 होती है, तो एग्जैक्टली प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार एग्जैक्टली ये पोर्शन ऊपर चला जाएगा, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इस पोर्शन को एग्जैक्टली आप एक्सपेंड करके खुद सॉल्व करना, मैं एग्जैक्टली इसका डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, ठीक है, इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा जी क्या आपका k स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस e की पावर 2 अल्फा a माइनस 2 आयोटा अल्फा k आपका और एग्जैक्टली यहां पर होगा 1 प्लस e की पावर 2 अल्फा a, ये एग्जैक्ट जो होगा क्या होगा इसका एग्जैक्टली वैल्यू होगा, ठीक है। इसके बाद देखो एग्जैक्टली इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें देखो एग्जैक्टली इसका नेक्स्ट स्टेप भी एग्जैक्टली मैं डायरेक्ट लिखूंगा, इसका आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आप खुद इस वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो कि सॉल्यूशन किस प्रकार किया गया है, लास्ट जो रिजल्ट होगा वो एग्जैक्टली किस फॉर्म में होगा, एग्जैक्टली वो आपके साइन की फॉर्म में होगा, ठीक है, वो एग्जैक्टली क्या होगा मैं लिखता हूं, वो होगा आपका b अपॉन a बराबर आपका एग्जैक्टली वो इस प्रकार होगा, ये पोर्शन ऐसा कैसे रहेगा एग्जैक्टली आपका k स्क्वायर प्लस आपका अल्फा स्क्वायर, ये वाला पोर्शन कन्वर्ट होगा अब इसमें आपका sin h और आपका अल्फा a, ये वाला पोर्शन ऐसा कैसे रहेगा एग्जैक्टली आपका k स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ये पोर्शन आपका sin में हो जाएगा आपका sin h alpha a, ये वाला माइनस को प्लस में हो जाएगा आपका 2 iota alpha k और आपका ये हो जाएगा आपका cos h alpha a, ये एग्जैक्ट हमारा b upon a का सॉल्यूशन होगा। और इस सॉल्यूशन का प्लस पॉइंट क्या है कि प्रीवियस जो हमने सॉल्यूशन किया उसमें f और g का वैल्यू ऐड था, इस वाले सॉल्यूशन में b upon a में कोई भी वैल्यू वहां पर एडेड नहीं है। देखो एग्जैक्टली नेक्स्ट जो अपन सॉल्व करेंगे उसके अंदर क्या करेंगे c upon a की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और हम नेक्स्ट हमारा सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट हम एग्जैक्टली देखो इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट को, यहां हमने b upon a निकाला, अब देखो
नेक्स्ट हम अपन निकालेंगे c अपॉन a निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और आपका ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट के लिए हमें एग्जैक्टली इन्हीं वैल्यूज की आवश्यकता होगी। देखो एग्जैक्टली यहां पर ये इक्वेशन हमने ऑलरेडी लिख रखी है, ये इक्वेशन ऑलरेडी निकाल चुके हैं 2a वाली, है ना, दोनों को जोड़ के जो निकाली थी। ये इक्वेशन एग्जैक्टली सिमिलर वही इक्वेशन है जो बाउंड्री कंडीशन से निकाली थी अपन ने, और ये इक्वेशन वो है जो अपन ने g / f की वैल्यू निकाली थी। अब देखो एग्जैक्टली मैं इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं, तो फिर ये क्या होगा, यू गेट योर c e की पावर आपका आयोटा के ए अपॉन आपका 2 के आपका ए इक्वल टू आपका ये होगा, यहां पर होगा एग्जैक्टली आपका f e की पावर अल्फा a प्लस आपका g e की पावर माइनस अल्फा a, और ये नीचे आ जाएगा आपका f और ये होगा k माइनस आयोटा अल्फा आपका और प्लस आपका g और k प्लस आयोटा अल्फा, ठीक है, एक्सिस पर आओ। अब देखो मैं यहां से f को कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, यहां देखो एग्जैक्टली आपका क्या होगा, c होगा c अपॉन आपका a होगा और e की पावर आयोटा k a एग्जैक्टली इस प्रकार ही रहेगा, ठीक है, और यहां क्या होगा कि 2 k एग्जैक्ट में इधर भेज देता हूं, ठीक है, आपका एग्जैक्ट में यहां कर देता हूं 2 k f मैंने एग्जैक्ट कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचेगा e की पावर अल्फा a बचेगा, यहां क्या बचेगा आपका प्लस g अपॉन आपका f और e की पावर माइनस अल्फा a बचेगा, ठीक है, और यहां देखो इसे क्या होगा, यहां पे मैं इसे f कॉमन लूंगा आपका f कॉमन लेते यहां क्या बचेगा आपका k माइनस आयोटा अल्फा और एग्जैक्टली इसको मैं और बड़ा क्वेश्चन ले लेता हूं और यहां क्या बचेगा देखिए आपका प्लस g अपॉन आपका f और यहां से क्या बचेगा आपका k प्लस आयोटा अल्फा बचेगा, क्लियर हो गया। अब देखो एग्जैक्टली g अपॉन f की वैल्यू एग्जैक्ट में यहां से पुट करूंगा, ठीक है, इस वैल्यूज को पुट करता हूं और f से अपने इसमें कैंसिल कर देता हूं, यहां देखो एग्जैक्टली c अपॉन a आपका e की पावर आयोटा k a इक्वल टू यहां देखिए एग्जैक्ट कैरफुली 2 के एग्जैक्टली बाहर रहेगा जो आपका ये होगा एग्जैक्ट इस प्रकार रखा जाएगा f a प्लस आपका ये एग्जैक्ट वैल्यू रख रहा हूं किसकी में g की वैल्यू रख रहा हूं माइनस के अंदर है, ठीक है, तो यहां देखो एग्जैक्टली ये 2 अल्फा a प्लस में है ये एग्जैक्टली माइनस में है, तो एग्जैक्टली यहां पर क्या होगा रहा माइनस हो जाएगा पर केवल e की पावर अल्फा a बच जाएगा, ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहां पर माइनस आपका k प्लस आपका आयोटा अल्फा अपॉन आपका यहां क्या है k माइनस आयोटा अल्फा और e की पावर अल्फा a बच जाएगा, ठीक है, फर्दर e की वैल्यू फाइंड कॉमन निकाल, ठीक है, चलो वो सेकंड पे बात है। यहां देखो एग्जैक्टली g / f की वैल्यू को अगेन मैं पुट करूंगा, ठीक है, यहां देखो एग्जैक्टली आपका f कैंसिल आउट हो चुका है, ठीक है, यहां क्या होगा आपका एग्जैक्टली k माइनस आयोटा अल्फा ये माइनस में हो जाएगा, ये वैल्यू आप पुट होगा ये प्लस में है, ये प्लस में है स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो यानी कि k प्लस आयोटा अल्फा का स्क्वायर अपॉन k माइनस आयोटा अल्फा, ठीक है, और e की पावर 2 अल्फा a हो जाएगा। अब देखो एग्जैक्टली ये पोर्शन यहां गुणा होगा e की पावर अल्फा को ना ले सकता हूं, ये पोर्शन यहां गुणा होगा ये पोर्शन डिनोमिनेटर बच जाएगा, सिमिलरली पोर्शन यहां गुणा होगा ये नीचे बच जाएगा, वो दोनों पोर्शन जितने आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या होगा आपका एग्जैक्टली c / a e की पावर आयोटा k a आपका इक्वल टू 2 k, ठीक है, यहां से आपका 2 k e की पावर अल्फा a ये एक्सिस वेक्टर बन जाएगा यहां से k माइनस आयोटा अल्फा और आपका माइनस k प्लस आयोटा अल्फा, ठीक है, k प्लस आयोटा अल्फा और e की पावर अल्फा में कॉमन लेंगे, ठीक है, ये जो पोर्शन नीचे बचेगा वो इससे कैंसिल होगा इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा है, ये इसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, आपका k, ठीक है, माइनस आयोटा अल्फा का स्क्वायर और माइनस आपका k प्लस आयोटा अल्फा का एग्जैक्टली स्क्वायर, ठीक है, और e की पावर 2 अल्फा a और यहां से जो डिनोमिनेटर आएगा वो इस वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है,
एग्जैक्टली ये वाला समझ में बच गया आपके पास। आप देखो एग्जैक्टली इसको आप अगर सॉल्व करते हो, आप अगर मैं सॉल्व नहीं करूंगा आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन दिख रहा होगा। इस प्रकार मैंने इसको सॉल्व किया, आप पॉज करके इसको देख सकते हो। मैं इसकी वैल्यू एग्जैक्टली डायरेक्ट लिखा, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा अगर, तो मेरे को वैल्यू क्या मिलेगा, सी अपॉन ए सॉरी ई की पावर है ना आयोटा के ए इक्वल टू, देखो एग्जैक्टली के कैसे कैंसिल हो जाएगा, माइनस का ये माइनस का क्या हो जाएगा माइनस टू आयोटा हो जाएगा आपका, ठीक है। टू बाहर आएगा क्या फोर हो जाएगा आपका, तो एग्जैक्टली ये हो जाएगा आपका माइनस फोर है ना आयोटा अल्फा के e की पावर अल्फा ए। ऊपर वाला सिंपल है, नीचे वाला जो पोर्शन है इसको एग्जैक्टली में लिखता हूं डायरेक्टली, ठीक है। वो होगा एग्जैक्टली आपका माइनस, ठीक है, के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, और वो होगा एग्जैक्टली e की पावर टू अल्फा ए माइनस वन, ठीक है, माइनस आपका टू आयोटा अल्फा के और e की पावर 2 अल्फा ए प्लस 1। एग्जैक्टली आप इसको सॉल्व करके देखिए, मैंने इसका डायरेक्ट वैल्यूएशन पुट किया, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली आंसर क्या होगा, सी अपॉन ए इक्वल टू ये पोर्शन इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, माइनस कॉमन लेते हो कैंसिल आउट कर देते हो, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा एग्जैक्टली आपका 4, ठीक है, आयोटा अल्फा के ई की पावर अल्फा ए गुणा में ई की पावर माइनस, ठीक है, आयोटा के और ए होगा। यहां से क्या बचेगा एग्जैक्टली आपका के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। इस फंक्शन को एग्जैक्टली आपको दिख रहा होगा एक मैथड से क्लियर हुई, इस फंक्शन को साइन एच के फंक्शन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसी का यूज करके उसको एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर, ठीक है। वो क्या होगा एग्जैक्टली आपका साइन, ठीक है, एच अल्फा ए प्लस आपका नेक्स्ट जो इसका सॉल्यूशन होगा वो जितना 2 हो जाएगा माइनस 12 आ गया तो ये प्लस का हो गया 2 आयोटा के है ना, और यहां से कोई जितने क्या होगा आपका अल्फा भी आएगा, ठीक है, और इसको एग्जैक्टली अपन कोस के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। आपका एग्जैक्टली क्या होगा कोस एच अल्फा ए ए, ये जो एग्जैक्टली होगा इस प्रकार लिखूंगा। जब आप इसको इस फंक्शन को जो साइन के फॉर्म में लिखोगे साथ में गुणा आएगा ई की पावर अल्फा ए, आप इसको सॉल्व करना फैमिलियर होकर के आपको कंफर्म वो चीज मिलेगा, वो एग्जैक्टली यहां पर बाहर आएगा और वो इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो एग्जैक्टली हमारा इक्वेशन कैसा चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको आप एग्जैक्टली फाइंड आउट करके देख लेना, ये एग्जैक्टली इक्वेशन हमारा इस प्रकार बचेगा। अब देखो एग्जैक्टली हमारा यहां तक का, अब देखो यहां तक हमारा काम पूरा हो गया। अब एग्जैक्टली नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे वो है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, ठीक है। एग्जैक्टली देखो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के बारे में हम एक सेपरेट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इसका एग्जैक्टली मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला एग्जैक्टली मैंने यहां पर यूज किया है, ठीक है, जो क्या होता है जे से इंडिकेट किया जाता है और रियल पार्ट ऑफ और इस ये पूरा फंक्शन होता है, ठीक है। यहां देखो साई स्टार जो फंक्शन है वो क्या है आपका वेव फंक्शन जो है उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकाला गया है, और यहां पे एग्जैक्टली इस फंक्शन क्या है बिना कंजुगेट यानी रियल पार्ट में लिखा गया। अब देखो इस फॉर्मूले को एग्जैक्टली मैं अप्लाई करता हूं किसके ऊपर, हमारे इस डायग्राम में जो दो क्षेत्र है जो आपके लेफ्ट साइड है वो फर्स्ट क्षेत्र है और ऊपर तीसरा वाला क्षेत्र है, ठीक है। देखो एग्जैक्टली पार्टिकल इन रीजन फर्स्ट जहां पर कंडीशन क्या है x लेस देन 0, ठीक है, एंड रीजन 3 जहां कंडीशन क्या है x ग्रेटर देन e, मतलब उस पोटेंशियल के लेफ्ट और राइट साइड में। अब देखो एग्जैक्टली वहां पर gi मतलब किसकी हमें जो है वो करंट डेंसिटी निकालनी है अपने को, प्रोबेबिलिटी अपने को पार्टिकल के आने की, पार्टिकल के रिफ्लेक्ट होकर वापस जाने की और पार्टिकल के ट्रांसमिट होने की, मतलब पार्टिकल के अपवर्तित होकर अंदर घुसने की, ठीक है। देखो फर्स्ट निकाल दो जी आई, ठीक है, फॉर्मूले से देखो एग्जैक्टली आपको दिख रहा है कि यहां पर मुझे वेव फंक्शन किसका निकालना है, पार्टिकल के आने वाले फंक्शन का, जो एग्जैक्टली फंक्शन दिखाई दे रहे होंगे इसमें जो पहला फंक्शन है एग्जैक्टली आपका वो जो फंक्शन क्या है ए ई की पावर आयोटा जो है के एक्स है, ये असल में पार्टिकल के आने का फंक्शन था, उसको मैंने यहाँ पे लिखा कि आने वाले फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकाला मैंने, ठीक है। देखो वहां पे जो कांस्टेंट ए है वो रियल नंबर भी हो सकता है वो इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है, तो मैंने क्या किया उसके ए स्टार लगा दिया, ठीक है। ये देखो ये एग्जैक्टली जो फंक्शन है वो असल में क्या है, ऑलरेडी वहां पर देखो आयोटा लगा हुआ है वो ऑब्जेक्ट क्या है आपका इमेजिनरी फंक्शन है आपका, तो उसके ऊपर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होगा माइनस कर देगा उसको, सिंपल ये मैथमेटिकल फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। फिर डिफरेंशिएशन किया मेरे रियल फंक्शन का, ठीक है।
अब देखो एग्जैक्टली यहां से क्या होगा, ये a आपका कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो a स्टार a बन जाएगा आपका, ठीक है। सिंपली h क्रॉस अपॉन आयोटा m है, वो सिंपल बाहर आ जाएगा। ये वाला जो फंक्शन है वो जिन यहां लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन किया गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन, एग्जैक्टली एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है, तो e की पावर आयोटा kx होगा। और ये ऊपर का जो फंक्शन है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन किया तो क्या आएगा, आयोटा k आएगा। अब देखो इधर क्या किया मैंने, इस फंक्शन को देखो एग्जैक्टली मैंने क्या किया, दोनों को एक कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया, a स्क्वायर और मोड लगा दिया। मतलब हो सकता है कि ये फंक्शन कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो, मतलब इमेजिनरी नंबर हो, तो उसके लिए मोड लगा दिया, मतलब हमेशा वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। ये देखो h क्रॉस यहां पर है, h क्रॉस यहां है, ये दोनों फंक्शन देखो एग्जैक्टली, ये एग्जैक्टली एक्सपोनेंशियल दोनों फंक्शन है, लेकिन ये माइनस आयोटा में है, ये प्लस आयोटा, मतलब ये माइनस पावर में है, ये प्लस पावर में, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये आयोटा से इस आयोटा को कैंसिल आउट कर दिया गया, और k को यहां ले आए, h a अपॉन m, ठीक है। और ये क्या आपके बनी प्रोबेबिलिटी, करंट डेंसिटी किसकी बनी है, पार्टिकल के आने की, लेफ्ट साइड से राइट साइड के आने की। तो एग्जैक्टली देखो ये इस प्रकार रिप्रेजेंट की जाएगी। ये वाला जो फंक्शन है वो कांस्टेंट है, h क्रॉस आपका कांस्टेंट होता है, k आपका एक कांस्टेंट है, m आपका एक कांस्टेंट है, इसके लिए एक नोटेशन दे दिया म्यू आपका, ठीक है, कि और इसको एग्जैक्टली डिस्क्राइब करते हैं कि इसको इस प्रकार म्यू माना गया है। अगर सिंपली मैं अगर जे आर निकालता हूं, मतलब पार्टिकल जाकर के पोटेंशियल से टकरा के जो वापस आता है उसके लिए अगर मैं लिखता हूं अगर मैं, तो सिंपल यही प्रोसीड्यूर बस फॉलो करूंगा। मैंने इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिखा है, आप इसे परफॉर्म करके देख लेना, वो रिजल्ट डायरेक्टली इस प्रकार आएगा, ठीक है। वहां भी सिमिलर इस प्रकार बी का स्क्वायर होगा मोड के अंदर, और यही मैथमेटिकल फंक्शन वापस आएगा। इस फंक्शन को एग्जैक्टली मैंने वापस म्यू से लिख दिया, म्यू की एग्जैक्टली वापस वही है। सिमिलर इसी मेथड से एग्जैक्टली मैं जे टी भी निकालूंगा, मतलब अगर पार्टिकल पोटेंशियल से ट्रांसमिट हो जाता है, मतलब उसमें से होकर निकल जाता है, तो क्या होगा उस सूरत के लिए, क्या होगा जो हमारा देखो वेव फंक्शन दिख रहा होगा, ट्रांसमिटन के लिए जो नीचे वाली इक्वेशन है हमारी, ठीक है, उसमें सी वाला जो फंक्शन है वो क्या इंडिकेट करता है, अगर पार्टिकल वहां से आर पार हो जाए, निकल जाए बाहर, ठीक है, उसके लिए एग्जैक्टली जो हमारी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी एग्जैक्टली इस प्रकार आएगी, ठीक है। तो देखो अब तीनों हमने निकाले, अब इसका यूज क्या है, इसका यूज एग्जैक्टली अपन रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट निकालने में काम आता है, ठीक है। अब देखो वहां देखो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया गया है, और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट आर असल में होता क्या है कि प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी किसकी, रिफ्लेक्शन पार्टिकल की अपॉन, और किसकी होती है, पार्टिकल इंसिडेंट हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, दोनों क्या होता है सर, वो एक अनुपात होता है, ठीक है, रेशियो ऑफ जे आर अपॉन जी आई, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली जी आर और जे आई की वैल्यू को मैं यहां से पुट करूंगा, जे आर और जे आई की वैल्यू को, सिंपली कुछ नहीं है, ये दोनों कॉन्स्टेंट है, कैंसिल आउट जाएंगे, लिखा आपको ऊपर दिख रहा होगा, जिसे मैंने म्यू और म्यू से लिख रखा है, ठीक है। और देखो यहाँ पर ये जो दोनों का स्क्वायर और जो ये मोड लगाया मैंने, इसको एग्जैक्टली किस प्रकार लिख सकते हैं, वही आपका ए स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, ए स्टार और ए में लिख सकते थे, वैसे बी स्टार और बी में, ए स्टार और ए में। तो देखो अगर हमें ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट निकालना है हमें अगर, तो हमें किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, b अपॉन a की वैल्यू पता होनी चाहिए। b अपॉन a की वैल्यू ऑलरेडी देखो हम जब हमने सॉल्व किया था तो हमने इसको फाइंड आउट कर लिया था, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली यहां पर ये जो वैल्यूएशन निकाला है इसमें ये वाला फंक्शन जो है वो पहले कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बनाना पड़ेगा, ठीक है, आपको b स्टार, ठीक है। देखो एग्जैक्टली ये ऊपर वाला जो फंक्शन है वो किसकी वैल्यू है, वो b की वैल्यू है। इस वैल्यू को आप नोट करो, ये पूरा का पूरा एक रियल फंक्शन है, यहाँ पर कोई भी इमेजिनरी फंक्शन नहीं है। इसका मतलब इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होगा, रियल फंक्शन ही होगा। देखो एग्जैक्टली इस फंक्शन को मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, और इसका बी रियल फंक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। नीचे वाले पोर्शन में थोड़ा सा चेंज होगा, ये फंक्शन नोट करो कि इस फंक्शन में ये वाला जो पोर्शन है ये एग्जैक्टली एक कॉम्प्लेक्स नंबर रखता है, ठीक है, 2 आयोटा अल्फा की, ये एग्जैक्टली क्या आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका अगर आप कंजुगेट निकालोगे आप अगर, तो असल में वो क्या होगा, वो असल माइनस होगा, ठीक है। और उसका रियल जो पार्ट होगा, इसका रियल मतलब एक बार क्या करना है, फंक्शन को वैसे वैसे लिखना है, उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिखना है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में लिख दिया मैंने कि प्लस का क्या हो गया यहाँ पे, माइनस हो गया। और अगर मैं इसको डेल्टा मान लेता हूँ पूरे फंक्शन को, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ एग्जैक्टली, मैं इसको डेल्टा, मतलब यही वाला फंक्शन वापस रिपीट हुआ, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है, प्लस है आपका। अब देखो एग्जैक्टली इसका तो सॉल्यूशन क्या होगा, ये स्क्वायर में आ जाएगा, है ना, के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर दोनों सेम स्क्वायर में आ गया, और ये साइन एच स्क्वायर में आ गया। नीचे वाला फंक्शन दिख रहा है
वो क्या हो रहा है, इमेजिनरी फंक्शन का और रियल फंक्शन का एक मल्टीप्लिकेशन है। आपको एग्जैक्टली यहाँ पे सॉल्यूशन दिखाई दे रहा होगा, मैंने इसका क्या किया, जो इसका सॉल्यूशन आया है उसको मैंने डायरेक्टली पुट कर दिया, ठीक है, ये एग्जैक्टली इसका सॉल्यूशन आएगा, ठीक दिख रहा है आपको, वो क्या आएगा, के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर कॉस्टक में है, साइन एच अल्फा ए प्लस 4 के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो एग्जैक्टली के स्क्वायर का वैल्यू क्या है, देखो एग्जैक्टली लेक्चर हमने स्टार्ट किया था तो हमने के का वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट किया था या हमने अज्यूम किया था, वो के का वैल्यू एग्जैक्टली ये है, अल्फा का वैल्यू एग्जैक्टली आपका ये वाला है। अब देखो इस फंक्शन को मैं फर्दर सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है, किस तरह सॉल्व करूंगा, जैसे देखो यहाँ पर ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन देखो एग्जैक्टली सेम है, ठीक है आपको, तो ये इसको इसके बटा में लेता हूँ तो क्या होगा एग्जैक्टली 1 प्लस, ठीक है, और यहाँ क्या बच गया एग्जैक्टली आपका, यहाँ बच गया एग्जैक्टली आपका के स्क्वायर प्लस आपका अल्फा स्क्वायर और आपका साइन, ठीक है, एच अल्फा ए, ठीक है, और यहां से देखो एग्जैक्टली क्या बचेगा 4 के स्क्वायर और आपका अल्फा स्क्वायर, ये एग्जैक्टली फंक्शन आपका रिमेंट बच जाएगा। अब क्या करना है, इस फंक्शन को हमें अगर सॉल्व करना है अगर तो हमें किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर वैल्यू पता होनी चाहिए और के स्क्वायर गुणा अल्फा स्क्वायर की वैल्यू पता होनी चाहिए। देखो एग्जैक्टली इन फंक्शन को मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा, देखो यहाँ पे कि के स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू ये आएगी, मतलब इन दोनों फंक्शन का गुणा जो है एग्जैक्टली वो ये आएगा, आप भी आराम से बैठ कर सोल्व करना है इसको, ठीक है, और ये वाला जो फंक्शन है, ठीक है, के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर में जो जोड़ होगा वो असल में इसके बराबर आएगा, ठीक है, इन दोनों वैल्यूज मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है, इन दोनों वैल्यूज को अगर मैं इस वाले वैल्यूज में पुट करता हूँ तो मेरे को आउटकम क्या मिलेगा, वो होगा एग्जैक्टली इस प्रकार आर इक्वल टू वो एग्जैक्टली वन है, एग्जैक्टली वन प्लस आपका, ठीक है, यहाँ देखिए एग्जैक्टली यहाँ मुझे क्या लिखना है, के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर लिखना है, ये वाला होगा के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, वो एग्जैक्टली वैल्यू कितनी है इसकी 4 एम स्क्वायर वी जीरो का स्क्वायर बटा में एच क्रॉस 4, ये वैल्यू एग्जैक्टली लिख दिया मैंने यहाँ पे, और फंक्शन किसका है आपका, ये आपका फंक्शन है साइन, ठीक है, एच एग्जैक्टली, ये फंक्शन यहाँ से अगर आएगा तो ये फंक्शन स्क्वायर में आएगा और ये फंक्शन क्या आएगा स्क्वायर में आएगा, ठीक है, और यहाँ इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा और अल्फा ये हो जाएगा, ये एग्जैक्टली फंक्शन वाला यहाँ चलाया, और इसके बटा में कौन सा फंक्शन है 4 के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, मतलब 4 को मेरे को एग्जैक्टली बाहर रखना है और ये वाला फंक्शन लिखना है, ठीक है, 4 एम स्क्वायर ई आपका और एग्जैक्टली वी जीरो माइनस आपका ई अपॉन आपका क्या होगा एग्जैक्टली एच का 4, ठीक है, और इसका एग्जैक्टली क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर थोड़ी स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो एग्जैक्टली ये इस प्रकार एग्जैक्टली हमारा पूरा फंक्शन लिखा जाएगा। अब देखो एग्जैक्टली इसको थोड़ा मैथमेटिकली अपन सॉल्व करेंगे, मैंने यहाँ सॉल्व नहीं किया है, आपको सॉल्व करना है, अगर सॉल्व करते हैं अगर तो एग्जैक्टली मुझे ये वाला रिजल्ट फाइंड आउट होता है, ठीक है, जहां पर क्या होगा 1 का वैल्यू रहेगा प्लस आपका ये फंक्शन इससे एग्जैक्टली थोड़ा बहुत कैंसिल आउट होगा, है ना, और क्या बचेगा वी जीरो का स्क्वायर साइन एच स्क्वायर अल्फा ए अपॉन 4 ई कॉस्टक वी जीरो माइनस ई, ये एग्जैक्टली मेरे को फंक्शन फाइंड आउट होगा। मैंने क्या किया इस फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, इस फंक्शन को इनवर्स में ले लिया, मतलब ये वाला पोर्शन ऊपर ये वाला पोर्शन नीचे, ठीक है, और फंक्शन क्या हो गया इनवर्स हो गया बकाया, ठीक है, तो ये देखो एग्जैक्टली हमारा क्या निकला रिफ्रैक्शन कोएफिशिएंट निकला, ठीक है। इसके बाद हमारा पर्पस क्या रहेगा, हमारा पर्पस रहेगा ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट टी निकालने का पर्पस रहेगा। ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट जो होता है ये भी सिंपली इसी प्रकार से निकाला जाएगा जो एक रेशियो होता है, एक अनुपात होता है, किसका आपके करंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का, तो फिर t इक्वल टू क्या होगा gt अपॉन gi, मतलब पार्टिकल के ट्रांसमिट होने की जो करंट डेंसिटी और पार्टिकल के जो आने की करंट डेंसिटी क्या होगी, सिंपल तो कहेंगे कि अपन ने j t भी एक निकाल के रखा है अपन ने और gi भी निकाल के रखा है, इन वैल्यूज को एग्जैक्टली हमें लगाना है पुट करना है, इन वैल्यूज को एग्जैक्टली हमें लगाना है पुट करना है, तो सिंपल मैंने वैल्यूज को पुट करके रखा है, यहां पे क्या फाइंड आउट होगा कि c स्क्वायर मतलब भाई c स्टार इन c और a स्क्वायर मतलब a स्टार और a, देखो c स्टार की वैल्यू जैसे कहां से फाइंड आउट करेंगे, c स्टार की वैल्यू जैसे यहां से फाइंड आउट करेंगे, यहां पर देखना एग्जैक्टली मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया था, यहां एग्जैक्टली 2 होगा, ठीक है, नॉट ए 4, है ना, देखो एग्जैक्टली इस वैल्यू को मैं यहां पर अगर पुट करता हूं देखो एग्जैक्टली क्या होगा, ये वाला वैल्यू जो है एग्जैक्टली कॉम्प्लेक्स में है, मतलब आर्बिटरी फंक्शन है इसके अंदर, ठीक है, तो क्या होगा जब इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करूंगा तो क्या होगा ये माइनस हो जाएगा, तो एग्जैक्टली माइनस 2 आयोटा अल्फा के ई की पावर आयोटा के ए आया, ठीक है, यहाँ पे माइनस था इसलिए यहाँ पे क्या हो गया
प्लस हो गया, और गुणा में सी मतलब ओरिजिनल जो फंक्शन है आपका, मतलब वापस पूरा ये फंक्शन वापस ऐसा आ जाएगा 2 आयोटा अल्फा के ई की पावर माइनस आयोटा के ए, ठीक है। सिमिलर देखो नीचे क्या करना है, एक्जेक्टली अपन को ए का स्क्वायर करना है। इसका देखो एक्जेक्टली ए का स्क्वायर का वैल्यू जितने पर यहां भी लिखा था ना ये वाला ए था ए, इसका एक पूरा सॉल्यूशन किया अपन ने नीचे वाले का, फाइनल आउटकम क्या आया था, ये वाला आउटकम आया था हमारा, यही आउटकम एक्जेक्टली मैं यहां पर वापस लिख रहा हूं, ठीक है। सेम कॉपी है, कोई फर्क नहीं उसको आउटकम में, ठीक है। वो एक तो मैं यहां पुट कर देता हूं अगर मैं, तो क्या होगा मेरे को एक नया सॉल्यूशन मिलेगा, उसको एक्जेक्टली मैं थोड़ा सॉल्व करता हूं अगर, वहां देखो एक्जेक्टली ऊपर माइनस का चिन्ह आएगा, 2 और 2 ये दोनों दो क्या होगा मल्टीप्लाई में क्या होगा 4 आएगा, मैंने तो कैसे दिया 4 लिख दिया, ठीक है। यहां देखो एक्जेक्टली आयोटा और आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर वैल्यू क्या होती है -1, वो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे आपके एक्जेक्टली प्लस हो जाएंगे आपके। वहां देखो एक्जेक्टली अल्फा और अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर और के और क्या हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा। देखो अल्फा स्क्वायर और के स्क्वायर लिख दिया मैंने। यहाँ देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखो एक्जेक्टली एक बार माइनस में एक बार पॉजिटिव की घात में है, तो क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तो यहाँ पर मैंने 1 कर दिया, ठीक है। वो नीचे वाला फंक्शन इसके ऐसा कैसा रह जाएगा। सिमिलर देखो मैंने क्या किया, इस फंक्शन को इसके साथ लिया और इस फंक्शन को एक बार इसके साथ लिया, इसके साथ लूंगा तो ये फंक्शन ऐसा कैसा रह जाएगा, और इसके साथ लूंगा तो क्या होगा प्लस 1 आ जाएगा। और सिंपली मैंने क्या 1 को इधर ट्रांसमिट किया, वही मैंने अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर के वैल्यूज को पुट किया जैसे मैंने यहाँ पर पुट किया था ये वाले वैल्यू को, और मैंने इसको दोनों वैल्यूज को पुट किया और मैंने डायरेक्ट सॉल्यूशन लिया। एक बार आप पुट करना और सॉल्यूशन निकालना, एग्जैक्टली इसी प्रकार सॉल्यूशन आपका आएगा, ठीक है। ये एग्जैक्टली सॉल्यूशन आएगा 4e cos v0 - e और v0 स्क्वायर sin h स्क्वायर अल्फा है ना। इससे मैंने क्या इसको कैसे लिख दिया, वो एग्जैक्टली मैंने क्या लिखा, वो एग्जैक्टली लिखा मैंने इसको इनवर्स के फॉर्म में लिख दिया कैसा, ठीक है। वो क्या 1 प्लस वो जो नीचे वाला पोर्शन क्या हो गया जैसे आपका ऊपर आ गया। इस प्रकार जो मेरा ट्रांसलेशन कोएफिशिएंट था ये फॉर्मूला मिला मेरे को, जो कि एक्जेक्टली रिफ्रेक्शन कोएफिशिएंट हमने यहां पर निकाला, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला और मैंने स्पेसिफिकली यहां पर सॉल्व किया ये वाला फॉर्मूला, और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट बोल रहा हूं सर ये वाला फॉर्मूला। एक्जेक्टली आप मन ना इसके जस्ट हम नेक्स्ट देखेंगे कि इन फॉर्मूलों का असल में यूज क्या होता है। असल में हम नेक्स्ट टाइम पे क्या पढ़ेंगे, हम टनलिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि एक्जेक्टली टनलिंग इफेक्ट किस प्रकार ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट से एक्सप्लेन किया गया। हम देखेंगे कि जो हमने दो कोएफिशिएंट निकाले थे, हमारा ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट और हमारा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, इन दोनों कोएफिशिएंट को जितना आप देखो कि उन दोनों कोएफिशिएंट को अगर हम हल्का सा ऐड करते हैं, ठीक है, आप ऐड कर रहे हैं तो एक्जेक्टली हमें रिजल्ट क्या फाइंड आउट होता है, 1 फाइंड आउट होता है। सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं, देखो एक्जेक्टली यहाँ पर ये वाला पोर्शन अप साइड में ऊपर की ओर है, लेकिन यहाँ पर ये पोर्शन नीचे की साइड पर, तो एक्जेक्टली क्या होगा आपस में या बीच का उसमें क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। देखो एक्जेक्टली ये अपने को फाइनल आउटकम मिलता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है और हमारा ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट दोनों का एडिंग क्या होता है 1 के बराबर होता है। नेक्स्ट देखो एक्जेक्टली हम कुछ कंडीशंस लगाते हैं किसके ऊपर, हमारे ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट के ऊपर। क्योंकि देखो क्लासिकली क्या था कि क्लासिकली ये था कि अगर एनर्जी आने वाले पार्टिकल की पोटेंशियल की बैरियर की हाइट से कम है तो पार्टिकल उसमें से टनल नहीं करेगा। लेकिन देखो यहाँ पर एक स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि टनलिंग वाला मतलब जो ट्रांसमिशन होना चाहिए वो फैक्टर 0 नहीं हुआ एक्जेक्टली आपका। तो एक्जेक्टली इसको अपन सॉल्व करते हैं कुछ कंडीशन लगा करके। पहली कंडीशन क्या लगाते हैं अपन कि आने वाली पार्टिकल की एनर्जी नियर टू नियर 0 है, मतलब टेन टू 0 है, मतलब उसकी एनर्जी बहुत ही कम है 0 के आसपास है। तो उसमें कंडीशन क्या होगी एक्जेक्टली आप यहां पर जैसे ही ई का वैल्यू 0 पुट करोगे, ठीक है, तो एक्जेक्टली क्या होगा ये पूरा फंक्शन एक्जेक्टली 0 गिर हो जाएगा। सिंपल सी ना, एक्स नीचे 0 वाला जो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ आप 0 पुट कर दीजिए फंक्शन क्या हो जाएगा इसका आपका 0 हो जाएगा। तो इस स्थिति में ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका 0, यानी कि केस क्या बना कि ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट 0 हो जाता है। कब 0 होता है, जब लिमिट ई टेंड टू 0, जब एनर्जी आने वाले पार्टिकल की कहां हो लगभग 0 के आसपास हो। अब देखो एग्जैक्टली नेक्स्ट देखते हैं अपन एग्जांपल इसको देखते हैं, जब आने वाले पार्टिकल की जो एनर्जी है वो पोटेंशियल बैरियर के लगभग नियर है, नॉट इक्वल टू, उसको टेंड कर रही है, मतलब उसकी तरफ अंदर बढ़ रही है। यानी मान लिया पोटेंशियल जो अपना बैरियर उसके एंड अगर 20 है, ठीक है, एग्जांपल को ले लेता हूं, और इसके एंड लगभग 19 के आसपास है, तो क्या होगा कि जब ई टेंड टू बी 0, ठीक है, पोटेंशियल की तरफ स्क्वायर जब टेंड करेगी आने वाले पार्टिकल की एनर्जी, तो कंडीशन क्या होगी। और दूसरी कंडीशन क्या है कि अल्फा ए टेंड टू करेगी इसमें 0 की तरफ, ठीक है। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है अगर, ठीक है, तो क्या होगा एग्जैक्टली अल्फा ए की वैल्यू जब 0 की तरफ टेंड करेगी तो कंडीशन क्या होगी कि जब इस फंक्शन को अप्लाई करोगे, इसके अंदर आप यहां जब अप्लाई करोगे तो साइन का फंक्शन
का जो अंदर का जो थीटा अपन लेते हैं, अगर वो नियर टू इक्वल टू जीरो हो जाता है क्या होता है, साइन की वैल्यू एग्जिट क्या होती है, थीटा ही हो जाती है। सिंपल अब मैथमेटिक्स करते हैं। सिंपल यहाँ पे क्या होगा कि अगर अल्फा ए टेंड टू जीरो है, मतलब नियर टू जीरो है, तो साइन एच की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, अल्फा ही हो जाएगी। इस वैल्यू को एग्जैक्टली मैंने यहाँ पर पुट किया है, क्लियर हो गया, क्योंकि इस फंक्शन को एग्जैक्टली इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमारा ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट क्या होगा, टी इक्वल टू वन प्लस वन प्लस आपका वी जीरो का स्क्वायर, वी जीरो का स्क्वायर और साइन एच स्क्वायर जो है कोसाइन किसके बराबर हो जाएगा आपका, अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर और आपका ए स्क्वायर अपॉन आपका, देखो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या होगा, वी और ई, ई टेन टू वी जीरो है, मतलब ई टेन टू वी जीरो, ई की वैल्यू क्या रख दी मैंने, वी जीरो रख दी, नॉट इक्वल टू वी जीरो, सिमिलर टू वी जीरो रख दी मैंने, ठीक है। और देखो ये वाला पोर्शन क्या कहता है, वी जीरो माइनस ई, मतलब वी जीरो यहाँ पे पॉजिटिव है, ई यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, यानी कि आने वाली जो एनर्जी है वो असल में क्या कर रही है, वी जीरो को टेंड कर रही है। इसका मतलब ये एनर्जी जो है ना वी जीरो से हमेशा क्या रहेगी, कम रहेगी। तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो बहुत ही माइनर होगा, मतलब बहुत ही कम डिफरेंस है, उस पॉइंट पर डिफरेंस आएगा, उसको एग्जैक्ट अपन यहाँ पर हल्का सा अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, वी जीरो बचेगा। नेक्स्ट उन्होंने क्या सोल्व किया है कि यहाँ पर अल्फा स्क्वायर जो है एग्जैक्टली उसकी वैल्यू इस प्रकार है, ये अपन ने स्टार्टिंग में निकाला, ठीक है, अल्फा स्क्वायर वैल्यू इस प्रकार है। आप देखो एग्जैक्टली इस वैल्यू को आप अगर नोट करो, यहाँ भी सेम वही कंडीशन लगेगी आपकी, वी जीरो माइनस ई वाली, इसका डिफरेंस क्या होगा, लगभग वन के नियर हो, मतलब बहुत माइनर डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली यहाँ पर मैंने नेक्स्ट फॉर्मूला क्या लिखा, वन प्लस आपका वी जीरो स्क्वायर और ये वी जीरो नीचे, तो इसलिए क्या क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, केवल आपका वी जीरो ऊपर बचेगा और अल्फा का स्क्वायर, तो ये वाला पोर्शन टू एम, टू एम यहाँ पर है, ये वाला पोर्शन लगभग वन के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये ए स्क्वायर नीचे आ गया, ठीक है, अपॉन आपका एच क्रॉस स्क्वायर किससे आ रहा है, अल्फा स्क्वायर से आ रहा है, एच क्रॉस स्क्वायर, और ये जो टू है इससे ये फोर कैंसिल आउट हो जाएगा, मैंने यहाँ एक्जी मैंने फोर रखा है, मैंने यहाँ पे यहाँ पे ये टू रखा है। नेक्स्ट देखो एग्जी क्या करूंगा मैं, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर वन प्लस आपका ये वी जीरो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर नीचे का बचेगा टू बचेगा यहाँ पर, यानी कि वी जीरो और यहाँ पर एम अल्फा स्क्वायर अपॉन आपका टू और आपका एच क्रॉस स्क्वायर, ये एग्जैक्टली फॉर्मूला बचेगा और इनवर्स में एग्जैक्टली बचेगा, ठीक है। हाँ तो एग्जैक्टली हमारा जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है कुछ कंडीशन लगाने के बाद में हमें इस प्रकार मैथमेटिकली फाइंड आउट होता है। अब देखते हैं इसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ये वाला जो है ना वी जीरो एम अल्फा स्क्वायर अपॉन टू एच क्रॉस स्क्वायर, ये देखो एग्जैक्टली क्या होता है, ये ओपेसिटी ऑफ बैरियर होता है, मतलब क्या होता है कि जो आपका पोटेंशियल वेल है आपका, जो एग्जैक्टली आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इस पोटेंशियल वेल को पार करने की जो ओपेसिटी होती है, मतलब उसको कब पार किया जा सकता है, उसके लिए जो कंडीशन होती है वो एग्जैक्टली ये वाली है। इसको एग्जैक्टली थोड़ा गौर करके देखो, ये एग्जैक्टली एम मतलब पार्टिकल का मास पर डिपेंड करता है, V0 मतलब बैरियर की हाइट पे डिपेंड करता है या पोटेंशियल डिपेंड करता है, A0 मतलब सॉरी A का मतलब क्या हुआ, उस पोटेंशियल की चौड़ाई, देख रहे हैं x = a यहां, मतलब पोटेंशियल की चौड़ाई उस पे डिपेंड करता है, और ये दोनों कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पोटेंशियल जो बैरियर है उसमें से कोई ट्रांसमिट होगा अगर, मतलब कोई आर पार निकलेगा अगर, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी कि वो तब निकल पाएगा जब इस कंडीशन को फॉलो करेगा। इस कंडीशन देखो एग्जैक्टली अगर v जीरो की वैल्यू ज्यादा होती है, मतलब क्या हुआ अगर पोटेंशियल हाई है अगर, तो ट्रांसमिशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब ट्रांसमिट होने का चांसेस क्या होंगे, कम हो जाएंगे। अगर उस बैरियर की विड्थ अगर बढ़ जाती है, ठीक है, चौड़ाई अगर बढ़ जाती है अगर, तो क्या होगा उसकी ट्रांसमिट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी अगर a बढ़ता है तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट क्या कम होगा, मतलब उसके चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये एग्जैक्टली इस फॉर्मूले का हमारा मैथमेटिकली मीनिंग होता है, ठीक है। ये कब होता है, जब एग्जैक्टली अपन ये वाली कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर ने क्या किया, अल्फा ए टेंड टू 0, मतलब अल्फा ए लगभग 0 के आसपास है, ठीक है। लेकिन अब हम कंडीशन को चेंज करते हैं, ठीक है, हम लगाते हैं ये वाली कंडीशन। ये कंडीशन क्या है कि अल्फा ए ग्रेटर देन ग्रेटर क्या आपका 1 है, मतलब अल्फा ए की वैल्यू क्या है 1 से ज्यादा है यहां पे, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा, तो देखो एग्जैक्टली उस कंडीशन में हमारा जो साइन एच अल्फा ए का फंक्शन होता है वो एग्जैक्टली सिमिलर इस प्रकार हो जाता है 1 बाय 2 ई की पावर अल्फा ए के बराबर, यानी कि ये एग्जैक्टली एजम्पशन होता है, ये फंक्शन इस प्रकार लिखा जा सकता है, ठीक है। इस कंडीशन को हम फॉलो करें अगर किसके अंदर, अगेन हमारे इस वाले फॉर्मूले के अंदर हम अगर, ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट होगा कि हमारा ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है एग्जैक्टली वो नियर टू इक्वल होगा।
कोस्टेंट आपका 1 प्लस आपका v0 स्क्वायर, कौन सा वाला, ये वाला। साइन के फंक्शन का एजिट इसने क्या लिखा है, इस प्रकार लिखा है। तो देखो यहां 1 बाय जो 2 होगा वो हो जाएगा, ये तो सिंपल साइन h का है, ये किसका फंक्शन है, ये स्क्वायर का फंक्शन है, तो 1 बाय 2 का क्या होगा स्क्वायर, 1 बाय 4 होगा, और ये 4 नीचे भी आया, 4 4 मल्टीप्लाई क्या होगा 16 हो जाएगा। ठीक है, आपका e एग्जैक्ट ऐसा कैसा आ रहा है, v0 माइनस e इसका ऐसा कैसा आ रहा है आपका। और ये फंक्शन देखो, जब ये फंक्शन इसके स्क्वायर में आएगा तो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल में 2 लग जाएगा, ठीक है, 2 अल्फा a लग जाएगा और हमारा फंक्शन रीडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो यहां पर अब इस कंडीशन को हम अगर अप्लाई करते हैं तो हम क्या लिखते हैं कि अगर अल्फा a ग्रेटर देन 1 है अगर कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे, तो क्या होगा, ये जो एक्सपोनेंशियल का फंक्शन है ना ये बहुत ही ज्यादा होगा, ये फंक्शन क्या होगा जबकि बहुत ही ज्यादा होगा, यानी ये फंक्शन एक्सपोनेंशियली है, ये क्या करेगा, ये ग्रेटर देन बहुत ज्यादा बड़ा किससे होगा, 1 से बड़ा होगा। इस कंडीशन को अगेन हम यहां पे अप्लाई करते हैं, तो मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन जो है वो बहुत बहुत बड़ा है किससे, 1 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको एजिटली मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, 1 को एजिटली मैं अवॉइड कर देता हूं। ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन क्या हुआ, v0 स्क्वायर e की पावर 2 अल्फा a अपॉन 16 ev0 और माइनस e, ये मेरा फंक्शन इस प्रकार लिखा जाएगा। यहां पर तो एजिटली इनवर्स लिखा हुआ है, इसको एजिटली मैं थोड़ा सा कन्वर्ट कर देता हूं वापस। ठीक है, तो फंक्शन एजिटली इस प्रकार होगा, ये फंक्शन ऊपर चला जाएगा, ये फंक्शन एजिटली नीचे आ जाएगा, ये वाला जब नीचे आएगा तो क्या होगा, ऊपर ले जाऊंगा इसको तो माइनस में आ जाएगा। तो देखो एग्जैक्टली ये हमारा ट्रांसमिशन जो का फॉर्मूला है एग्जैक्टली निकला, और इसको नोट करो, ये फॉर्मूला जो है ना ये जीरो नहीं हुआ है, मतलब क्या कह रहा है कि अगर आने वाले पार्टिकल की एनर्जी लेस देन v0 हो, ये कंडीशन ये हमारा केस था। इस केस में क्लासिकल केस क्या कहता है कि पार्टिकल उस बैरियर को पार नहीं कर सकता, लेकिन क्वांटम वाले केस में क्या हो रहा है कि यहां पर पार्टिकल को उस बैरियर को पार करने की कुछ प्रायिकता है, कितनी प्रायिकता वो मैथमेटिकली पता लगेगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, वो एग्जैक्टली हमारे इस अल्फा पे डिपेंड करेगा, इधर ये फंक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, इस पर डिपेंड कर रहा है, अल्फा किस पर निर्भर कर रहा है, इस फंक्शन पर डिपेंड कर रहा है, तो इससे कुछ पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगा कि वो ट्रांसमिट होगा या नहीं होगा। तो देखो एग्जैक्टली यहां पर नोट कर लेके कि ये ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट जीरो नहीं होता है, इसका मतलब पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल से कम होने के बावजूद भी कुछ चांस होता है कि वो पार्टिकल उस पोटेंशियल बैरियर को पार कर सकता है, और इस इफेक्ट को हम एग्जैक्टली टनलिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इस टनलिंग इफेक्ट की जो एक्सप्लेनेशन है एग्जैक्टली हम क्वांटम हमारी मैकेनिक्स के थ्रू एग्जैक्टली उसको कर सकते हैं। अब देखो एग्जैक्टली थोड़े से यहाँ पे दो ग्राफ देखते हैं, आपको एक पहला ग्राफ दिख रहा होगा आपका ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट और e अपॉन v0 ग्राफ दिख रहा होगा, जो कि एग्जैक्टली वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है आपका। ठीक है, एक ग्राफ आपको और दिख रहा होगा जो कि पार्टिकल के टनल होने को दिखा रहा है, कि पार्टिकल एक वेव की फॉर्म में आ रहा है, दिख रहा है बड़ा, और उसकी एनर्जी आपके पोटेंशियल से कम है, लेकिन फिर भी वो पोटेंशियल बैरियर के अंदर एंटर होता है और वहां से पार होता है, निकल जाता है, लेकिन वहां से निकलते वक्त उसकी एनर्जी थोड़ी सी क्या होती है, कम हो जाती है, भले वो इसकी एनर्जी कम हो जाए लेकिन वो उसमें से निकल जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल प्रैक्टिकली क्या होता है कि अल्फा पार्टिकल जो होता है वो न्यूक्लियस से बाहर निकल जाता है, और न्यूक्लियस से बाहर निकलने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उतनी एनर्जी अल्फा पार्टिकल के पास नहीं होने के बावजूद भी वो न्यूक्लियस की रेडियस से बाहर आ जाता है, मतलब इमिट हो जाता है, मतलब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं ना, उसमें क्या होता है पार्टिकल्स इमिट होते हैं उसके अंदर। उसकी एक्सप्लेनेशन एग्जैक्टली हम क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू हम लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एग्जैक्टली हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अल्फा पार्टिकल के न्यूक्लियस से बाहर निकलने की जो हमारी थ्योरी थी उसको एग्जैक्टली क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।